तो हम लोग आज अब सवाल एंड जवाब पे हम लोग आएंगे, क्वेश्चन से आंसर सेशन पे चलेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसमें जो जो सवाल है उस पर हम डिस्कस करेंगे, कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई स्टॉक है उसको डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आप लोग जो जो सवाल है आप मुझे प्लीज पूछिए, जो जो टॉपिक डिस्कस उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने आज क्या क्या डेटा पॉइंट्स अगर डिस्कस किया आप देखा जाए तो एक हम लोगों ने मार्केट कैप देख लिया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये हम लोग का डेटा पॉइंट हो गया जो लास्ट टाइम शेयरहोल्डिंग था, मार्केट कैप। एक और हमने डिस्कस किया है रिजल्ट्स, कॉर्पोरेट रिजल्ट, राइट। तो ये भी एक डेटा पॉइंट होगा जिसको हमने पूरा डिस्कस नहीं किया, थोड़ा सा ही पता है, फिर भी इसको भी हम लोग एक एक डेटा पॉइंट बना लेगा, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो क्वार्टरली होता है। मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं आपको शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव पे कहीं भी, गुड क्वार्टरली रिजल्ट। तो ये हम लोग के पास अब डेटा पॉइंट्स है अपने पास ये चीज, तो हम लोग इस डेटा पॉइंट्स पर ही आज हम लोग कंपनी का एनालिसिस करेंगे कि कंपनी हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये डेटा पॉइंट्स, तीन आ गए डेटा पॉइंट्स अपने पास, शेयर होल्डिंग पैटर्न, मार्केट कैप और कॉर्पोरेट रिजल्ट, ठीक है। अब इस बेसिस पे हम लोग अपना स्टॉक को एनालिसिस करेंगे, और बीच में हम लोग चार्ट देखना भी आ गया थोड़ा सा, हम लोग चार्ट भी बीच में देखेंगे कि चार्ट कैसा है कंपनी का। तो अब अपना अपना सवाल पूछिए मुझे आप। इंडेक्स में लेना चाहते हैं अगर क्वेश्चन? सॉरी ओके, सो इंडेक्स वैल्यू दिखाता है, फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू बाय द एनएससी, राइट? सो इंडेक्स वैल्यू दिखा रहा है, उतना ही पैसा लगेगा और समथिंग डिफरेंट? हाँ ये सही है, गुड, ठीक है। जैसे आपको ये मान लो आपको इंडेक्स खरीदना है, क्योंकि हमने देख लिया कि इंडेक्स तो हमेशा ऊपर ही जाता है, तो बहुत अच्छा हमने इंडेक्स फैसला किया करने का। तो आप आराम से क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको जाके ना इसका एक कोरस्पोंडिंगली आप, मैं बता रहा हूँ क्या करना, यहाँ जाना तो उसका एक निफ्टी बीच आता है, निफ्टी बीच जो एक एक तरह का ना बैक एंड में पीछे देखोगे तो ये निफ्टी 50 है, उसका एक शॉर्ट फॉर्म में खरीदने का, तो आप उसको जाके खरीद लो। तो आप निफ्टी 50 खरीद लिया मान लो, तो इसका भी एक नया इंडेक्सिंग हो गया बेसिकली 170 ना, तो आप देखो कि ये निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 को खरीदना है आपको, तो आप निफ्टी 20 खरीद लो, इट्स नथिंग बट ये निफ्टी 50 है, क्योंकि ऑब्वियसली 15,000 का तो सब नहीं खरीद पाएगा मान लो, राइट। मैक्सिमम पब्लिक को करना है, तो ये क्या करता है, हमने 170 आपने दिया, तो ऐसा कि पूरा दुनिया का बाकी लोग भी लगा दो उस पैसा को क्लब करके, वो बड़ा अमाउंट हो जाता है, वो दो दिखता नहीं हम लोग, ऑब्वियसली वाई वी आर बड़े वर्ड दैट, राइट। बैकएंड में क्या हो रहा है, आप जो हजार तो का अभी खरीद मान लो सकते तुमने निफ्टी 20 खरीदा हमने, हाँ राइट? इसमें कोई डिसीजन हुआ कि एक कंपनी को हटा के किकअप करना है, हाँ मान नहीं लो वो नहीं कर टीसीएस बाहर सकते, चला गया, वो आप नहीं कर सकते हो, नहीं निफ्टी 20 नहीं हम ऑटोमेटिकली, नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी जो मैनेज कर रहा है वो कर रहा होंगे ना, एनएससी मान लो कि एक कंपनी को एक्सचेंज कर रहा है, तो हमारा फिर शेयर जो होगा उसका पैटर्न वो सेल कर देगा, दूसरा लेगा, कैसे करेगा? तो उसमें क्या जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपको ये खरीदना है, ठीक है, निफ्टी भी आप 500 रुपीज डाले आपने बाई कर लिया, रियली ये डोंट वदर, आपको बस ये इंडेक्स का वैल्यू देखना है अभी 170, बस आपको इसको वरी करना, अगर ये बढ़ रहा है बस, अब देखो ये निफ्टी भी 0.52 बढ़ा, ये 0.4 पर लगभग ये सेम ही चलेगा दोनों हमेशा, लगभग मोर और लेस सेम रहेगा ये, ठीक है। आपने बाई कर लिया, आपको बस इस वैल्यू पे ध्यान देना है 170 पे, और ये शुड नॉट वरी अबाउट कि बैकएंड में कितना शेयर बेचा खरीदा कौन क्या कर रहा है, रियली बी डोंट, क्योंकि निफ्टी 50 के वैल्यू का बैकएंड में मान लो कुछ चेंज हो गया, वी शुड नॉट, ये कंपनी वाला जो निफ्टी 50 जो निफ्टी 20 मैनेज कर रहा है वो भी पीछे सेल करेगा, हम शुड नॉट वरी अबाउट दैट, वी जस्ट वरी अबाउट कि यहाँ पे जो इंडेक्स का जो वैल्यू है अभी फिलहाल 170, ये बढ़ना चाहिए, ये जितना बढ़ेगा आपको उतना प्रॉफिट होगा। तो निफ्टी का जो पुट खरीदते हैं वो डिफरेंट है क्या? पुट खरीदते हैं, सेल करते हैं? देखियो पुट और ऑप्शंस थोड़ा सा ये टॉपिक एडवांस, उसको मैं सॉरी मैं उस ओके पर ओके नहीं करेंगे, ओके वो मैं उसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ निफ्टी खरीदना है, मतलब ये ना होल्डिंग वाला हो गया, इसको आप लेके बैठ सकते हो, निफ्टी पुट्स वो ओके 3 महीना या इंटरडे के लिए होता है, वो ऑप्शंस में हम उस पर ओके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल अगर आपको निफ्टी 50 में पार्टिसिपेट करना है, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने की आपको लग रहा है कि हाँ हम लोगों ने चार्ट देखा कि निफ्टी कभी गिरता ही नहीं है लॉन्ग टर्म में, 26 साल में इतना ग्रोथ दिया, तो आगे भी ग्रोथ देगा, बिल्कुल देगा, तो आप निफ्टी 50s का आराम से लेके एक SIP बना सकते हैं आराम से, 1,000 रुपीज का, 5,000 रुपीज का, हर मंथ का, जो भी आपका है आप लेके इसमें इन्वेस्ट करते रहे हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी 50s, निफ्टी 20 नथिंग बट आपका निफ्टी 50 है, ओके, तो ये भी इससे आप निफ्टी 20 में भी हम बिफोर मार्केट हम प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर? हम बिल्कुल ओके कभी भी कर सकते हो आप किसी टाइम भी, यस। ओके तो निफ्टी 20 अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है, एक ये तरीका है, और एक तरीका आपको मैं स्मॉल कैश का मैंने वीडियो बनाया है कि नहीं, स्मॉल कैश एक प्लेटफॉर्म है जहां से ना आप मतलब एक बल्क में एक पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे smallcash.com पे गए, तो यहाँ पे आप गए यहाँ से, जैसे आप मेरा जीरोडा में अकाउंट फॉर एग्जाम्पल इस अकाउंट को आप लॉग इन करा, ठीक है, तो यहाँ पे जाके ना आप यहाँ पे निफ्टी 20 का ऑप्शन है, अगर सपोज मैंने एक बनाया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ नाम से निफ्टी 50 एग्जाम्पल, ठीक है, बनाया यहाँ पे लॉन्ग टर्म, यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, निफ्टी के ETF भी आता है, देखोगे ना आप ETF,
देख रहे कोटक बैंक, निफ्टी बैंक, ये निफ्टी बैंक का SBI निफ्टी 50, मतलब ये हम निफ्टी 50 के ETF में जो आप सेम मीनिंग इसको बाय कर लो तो ये आपका 161 चल रहा था। ये शुड नॉट वरी अबाउट ए नंबर, एक इन्होंने ये इंडेक्सिंग कर, ऑपरेशनल कॉस्ट भी होता है क्या, जो निफ्टी 20 कर दें तो कोई ना कोई मैनेज करेगा, तो उसका ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं नहीं लग उसका अपन जाएगा। कॉस्ट बहुत रेयर होता है, मतलब इग्नोरेबल होता है वो, एकदम इग्नोर होता है। अब निफ्टी 50 है तो ये मतलब डिफरेंट कंपनीज ना सब अपना अपना बना लेता है। जैसे इसमें देखिए निफ्टी 20 हो गया इसको बोलता है, इसको इसको SBI वालों ने बनाया है, तो लगभग जो बैकएंड में जो 50 कंपनी रहेगी उसको कोई छेड़ता नहीं है। बस हर कंपनी हर बैंक अपना प्रोडक्ट को नया तरीका से लॉन्च करता है बस, और कोई ये सब आप कुछ भी खींच सकता है। जैसे आप SBI निफ्टी 50 के ETF ले लो, सेम मीनिंग है। निपोन इंडिया का निफ्टी 50 लो, सेम मीनिंग है। 20 ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 लो, सेम मीनिंग है। कोटक निफ्टी 50 लो, सब सेम मीनिंग है, एकदम सेम, कोई डरने की बात। यहाँ पे इन्वेस्ट करा आपने और वो कितना रुपीज, 500 रुपीज से आप कर सकते, मतलब 320 रुपीज आप डालोगे आप निफ्टी 50 में पार्टिसिपेट कर लिया आपने। और ये सुनना और पड़ी कि भाई इसका 16,000 प्राइस है, मैं कैसे कहूँ, फिर सुनना क्योंकि इंडेक्सिंग करते हैं लोग, खुद मेंटेन करते हैं बैकएंड में, सो प्लीज नॉट वरी अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, मैं इसमें ऐड कर वन पॉइंट ऐड करूंगा, दिस इज जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड व्हिच यू कैन बाय इन द रियल टाइम। हाँ मतलब ये बोल सकते हो एक तरह का म्यूचुअल फंड ही। हाँ इंडेक्स बिल्कुल सही बोल सकते हो आप, म्यूचुअल फंड है ये, जो अलग अलग AMC इसको हैंडल करती है, निपॉन करता है, कोटक बैंक करता है, बस SBI बस बस करता है, बस बस सही, AMC फंड हाउसेस भी जो इसे मैनेज करते हैं। बिल्कुल आप सही बोल, वही एग्जैक्टली तो वही म्यूचुअल आपने। फंड ऑपरेशनल कॉस्ट लेता है ना, 1% 2% ले लेता है वो। नहीं, इतना तो नहीं एग्जैक्टली अमाउंट लेंगे पता नहीं, बहुत रेयर होता है लेकिन मैं बताऊंगा बहुत ही कम। जैसे आपने 500 रुपीज दिया तो मुझे लगता है मुश्किल से 2 रुपया या 3 रुपया वैसे होगा। 10,000 रुपीज किया तो मुझे लगता है मैक्सिमम 10,000 पे, मुझे लगता है ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। मैं आपको बताऊँ निफ्टी जो ETF रहता है उसका सबसे कम होता है ETF वैल्यू, सबसे कम होता है, बाकी स्टॉक्स का रहता है निफ्टी का बहुत कम रहता है, बहुत इग्नोर होगा वो, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, बहुत ही कम रहता है। मैं आपको इसको इतना एश्योर कर सकता हूँ, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता लेकिन काफी कम रहता है जो मैंने देखा था लास्ट टाइम। ठीक है, एक ये आप जो फेस वैल्यू का बता रहे थे स्प्लिट में, और उसमें अगर किसी कंपनी का फेस वैल्यू 1 है और तो वो बोनस इश्यू कर सकता है या नहीं, हाँ स्प्लिट बोनस, नहीं कर सकता आई थिंक, लेकिन हाँ बोनस कर हाँ सकता है। यस यस बोनस कर सकता है लेकिन स्प्लिट नहीं कर सकता। और दूसरी चीज की कंपनी को मतलब कैसे डिसाइड करते हैं वो कि स्प्लिट करना है या बोनस करना, उनको क्या हाँ तो ये सही है उनके सर, उनके पर्सपेक्टिव से क्या देखिए डिफरेंस है, हाँ क्योंकि इसका मुझे देखिए तो लग रहा है दोनों यूजर के पर्सपेक्टिव से दोनों सेम लग रहे देखिए हैं, देखिए राइट। इसका हाँ देखिए बोनस, अब बोनस क्यों करते हैं ना लोग, स्प्लिट इसलिए करते हैं कि अगर शेयर डिस्कॉन इंडिया था, डिस्कॉन का प्राइस बहुत ऊपर चला गया था, बहुत ऊपर 12-13 हज़ार हो गए थे। अब इतना बड़ा प्राइस ना कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं बाय करता है कोई भी, तो कंपनी क्या करते हैं स्प्लिट कर देते हैं नॉर्मली, ताकि वो छोटा हो जाए तो लोग बाकी लोग बाय कर पाए। नॉर्मली स्प्लिट करने का उनका एक ही रीजन होता है कि प्राइस कम हो जाए बस, ताकि सब पार्टिसिपेट कर पाए, मेन रीजन लो। नहीं, जैसे टाटा TCS का था, 3,000 कुछ पहुंचा था 2019 या 18 में, तो उन्होंने किया था तो 1,700 आ गया था, उसके हाँ बाद अब दोबारा वो उसी प्राइस पे आ गया, हाँ फिर वो प्राइस वाली सिचुएशन तो अभी सेम हो गई ना। ना सेम, अगर कोई बात नहीं, मार्केट कैप भी तो बढ़ गया, शेयर का प्राइस भी बढ़ा, उसका वैल्यू भी तो बढ़ा, नहीं बढ़ा। यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे स्पीड किया तो समझ में आया कि भाई जितना शेयर था उसे स्पीड कर दिया, लेकिन जो बोनस देते हैं तो उनका जो कहाँ से देते हैं वो बोनस, उनके पास बोनस जो नहीं, बोनस का मतलब ये होता है कि लोग शेयर्स एक पे एक फ्री कर देता है, मतलब आपका एक TCS का शेयर है एक नहीं, और तो अपने मिल, अपने रिजर्व होता है उससे देते हैं या भी कैसे देते हैं। नहीं वो शेयर्स को, वो जो सेम आपका शेयर है ना उसी को डबल कर देता है, लेकिन जो स्टॉक का प्राइस वो हाफ कर देता है। मान लो स्टॉक प्राइस 100 रुपीज है तो आपको एक शेयर उन्होंने 100 रुपीज का दिया, वो एक का दो कर दिया, ठीक है, तो एक का जब दो हुआ तो स्टॉक प्राइस वो 50 कर देंगे, 50-50 का, तो उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना, नंबर ऑफ शेयर तो सेम ही राइट हुआ राइट लगभग देखा जाए तो स्टॉक्स को प्राइस हाफ कर देते हैं और नंबर ऑफ शेयर डबल कर देते हैं, बस ये फंड है। तो इसमें उनको कोई नुकसान होता, तो एक तो रूल है ये, मतलब बेसिक एक प्रिंसिपल होता है कंपनी जब हम लोग वो करते हैं इनका, मतलब ये फाइनेंस का ये एक जनरल रूल होता है, इसमें हम लोग ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सोच सकते हो कि एक ये फाइनेंस का है कि अगर जब भी आप बोनस शेयर करते हो और आप प्राइस नीचे कर देते हो स्टॉक प्राइस का, तो मीनिंग सेम एक तरह का, तो उसमें अप्रूवल मिल जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जिस चीज का भी, ये रूल है, मतलब कर सकते हैं आप कोई भी कंपनी ऐसा। ये एक क्यों, ऑब्वियस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए लेकिन आपका मार्केट कैप तो सेम ही रहा, राइट, आपको जो नहीं स्टॉक सर, प्राइस, एज ए यूजर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू कौन बेनिफिशियल है, स्पीड बेनिफिशियल है, मान लो किसी पे न्यूज आता है कि टीचर्स को स्पीड कर रहे हैं या बोनस दे रहे हैं, तो हमारे लिए कौन बेनिफिशियल है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बोनस वाला ज्यादा बेनिफिट होता है। और देखो जो जो खासकर जो बोनस है जो IT कंपनी होती है वो जनरली बोनस देने प्रेफर करता है ना कि स्प्लिट करता है, फेस ब्लॉक कम हो जाता है उनका, तो जितनी IT कंपनीज होती है जनरली नॉर्मली मैं देखा वो स्प्लिट कम करते हैं बोनस, इसलिए देखा होगा विप्रो विप्रो का शेयर जो बहुत ही इतना गुना बढ़ गया, क्योंकि एक एक शेयर फ्री देते जाते थे बोनस पे बोनस बोनस पे बोनस, ठीक है, और प्राइस हाफ कर देते, इसलिए अब
काफी स्टोरीज पे हमने सुना होगा कि विप्रो का शेयर कोई किसी ने 10 साल पर लगाया था 1980s में, अब वो जाके 5 करोड़ हो गया। आप कभी देखना, कभी सर्च करना कि 10 हजार का शेयर्स का प्राइस था 1980s में, अब वो कुछ जाके 5 करोड़ हो गए, 10 करोड़ हो गए, कैसे हो गए? वो स्टॉक शेयर स्प्लिट स्प्लिट ने बोनस मिलते जाता है। उनका 500 शेयर था, फिर 1000 हो गए, 1000 का फिर उनको डबल हो गया 2000, 2000 का फिर हो गए 4000, 4000 के फिर 8000, ऐसे शेयर्स भी बढ़ गए, उनका स्टॉक प्राइस भी बढ़ गया। तो बोनस शेयर्स नॉर्मली आईटी कंपनीज को मैं देखा वो बोनस इशू करते हैं स्प्लिट, क्योंकि उनका फेस वैल्यू कम हो जाता है, फिर डिविडेंड देना होता है उनको, डिविडेंड का वैल्यू कम हो जाता है। वो कंपनी में डिपेंड करता है क्या है एक्चुअली, मेन तो वो है, लेकिन मेरे हिसाब से बोनस शेयर्स फायदा होता है ज्यादा। अच्छा, और जो आपने ये आप स्मॉल केस जो बनाते हो, स्मॉल केस में आप वो 80-15-5 वाला रूल लगाते हो क्या? कि मतलब जो आपने एक्सप्लेन किया लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप वाला। हाँ, मैं नॉर्मली फॉलो करता हूँ नॉर्मली। मैं एक मतलब नॉर्मली मैं 50-30-20 का करता हूँ, लेकिन पता है इसमें एक चीज है इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मैं मार्केट में काफी एक्सपीरियंस हो गया, मैं 7 इयर्स 8 इयर्स में वो डीप स्टडी करता हूँ, तो मुझे इसलिए आइडिया रहता है कि ना अभी मार्केट में कौन सा सेक्टर में, मतलब मैं इतना स्टडी करता हूँ तो मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि ना अभी कौन सा मतलब मिड कैप में रैली चल रही है, कि स्मॉल कैप में रैली चल रही है, कि लार्ज कैप में, मतलब कौन वाली कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो मुझे पता चल रहा है कि स्मॉल कैप कंपनी रैली कर रही है, तो मैं स्मॉल कैप का आप देखोगे मैं शेयर करता हूँ, स्मॉल कैप वाली कंपनी ज्यादा इंक्लूड करता हूँ फिर मैं। और मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप वाली में सेक्टर में अगर ग्रोथ है ज्यादा तो मैं लार्ज कैप में, फॉर एग्जांपल आप मैं खुद चलते हैं चार्ट पे आपको और अच्छा एक्सप्लेन करें, आपका आंसर खुद ही दोगे आप। अब देखो जैसे निफ्टी 50 आप देख रहे हो ना, ये बहुत आपको लग रहा नहीं है कि इतना थोड़ा ज्यादा तेज भाग गया है? हम लोग डर रहे हैं ना कि ही निफ्टी 50 गिर सकता है, पता है 16,000 ही हो गया, ये हो गया। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी एज सेम इंडेक्स है, मतलब मिड कैप का, अगर मिड कैप कंपनी हम लोग लेते हैं तो निफ्टी मिड कैप का भी इंडेक्स ऐसे बना हुआ है सिमिलरली से, तो निफ्टी मिड कैप 100 कंपनीज का इंडेक्स देखते हैं। अब देखो निफ्टी मिड कैप काफी टाइम से गिरा हुआ था, ये भी चल रहा है, तो मिड कैप कंपनी भी अच्छी परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल देखो ये आपका यहाँ था 2018 में अराउंड कुछ था इसका 21,000 इंडेक्स, अब कुछ अराउंड 26 हो गया। अब हम स्मॉल कैप पे चलते हैं तो देखते हैं स्मॉल कैप पे क्या हुआ है। स्मॉल कैप पे आप देखोगे तो स्मॉल कैप के इंडेक्स पे चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी स्मॉल कैप, तो 100 का निफ्टी स्मॉल कैप, तो आप देखो ये जो 2008 का प्राइस था स्मॉल कैप का, अभी तक वहां तक वो टच नहीं किया इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, आपका लार्ज कैप जो है निफ्टी 50 तो भाग गई ऊपर तक। अगर आपको थोड़ा देर याद होगा, थोड़ा देर पहले मैं फिर से चलता हूँ, थोड़ा ये पिक्चर को याद रखना आप थोड़ा सा। जैसे निफ्टी 50 का हम लोग देखते हैं, आप देखो जो इसका लास्ट जो हाई था इसका कुछ 2019 में कुछ अराउंड 12,000 था। इसको हम लोग यहाँ से प्राइजिंग करते हैं अगर कि कितना परसेंट भागा इधर से 2019 का जो हाई बना था उसको तोड़ के फिर वापस निकल के कितना परसेंट गया, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अब देखो ना अराउंड अराउंड 27% वो चला गया, जो पीछे का जो हाई था जो लास्ट जो उन्होंने बनाया था टॉप उसको ऊपर से गिरा फिर वापस निकला, अराउंड 27% चला गया। निफ्टी 50 नथिंग बट लार्ज कैप कंपनी, 27% ये नंबर याद रखना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं निफ्टी मिड कैप में क्या चल रहा है, सिमिलर पैटर्न है निफ्टी मिड कैप वाली कंपनी क्या कर रही है। तो निफ्टी मिड कैप वाली कंपनी को आप देखोगे उसमें क्या हो रहा है, तो इसका भी जो हाई बना था अगर देखोगे यहाँ पे आप इस पॉइंट पे जहां से निकला था, मतलब लास्ट वाला जो भी इसका ये है, तो अब यहां से देखते हैं कितना परसेंट भागा है अभी तक। ये लार्ज कैप वाली कंपनी तो भागी 27 और ये देखो आपका भागा है अभी तक अराउंड 25 है, वो 2% ऊपर ही भागा है। अब स्मॉल कैप कंपनी पे देखते हैं, ठीक है तो स्मॉल कैप पे आ गया। ठीक है, तो स्मॉल कैप कंपनी का देखो ये जो 2018 का जो हाई था इससे भी कितना परसेंट भागा देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पे आया तो अब देखो यहाँ पे अभी तक ये बंदा कुछ भागा ही नहीं है। तो होता क्या ना, जब ये मार्केट में आप, मैं अपने एक्सपीरियंस में रहा हूँ, होता है क्या मार्केट में सबसे पहले जो कंपनी भागती है तेज, अगर मार्केट बुल मार्केट, सबसे पहला भागना होता है लार्ज कैप कंपनी, क्योंकि उसका फंडामेंटल कंपनी मैनेजमेंट अच्छा रहता है, सबसे तेज भागेगी। इसलिए आपने इसको देखा होगा कि ये आराम से भाग गया था अराउंड 27%। ठीक है, उसको जो भागता है वो होता है मिड कैप कंपनी, जो भागा है 25%। उसके बाद जो लास्ट में जो भागती है मार्केट में बुल मार्केट में तेज, वो होती है स्मॉल कैप कंपनीज, जिसका नंबर अभी तक आया नहीं है, जो अब 2018 का जो पीक बनाया था उसको तोड़ के निकला। तो कम से कम इसमें 20 से लेके 25% की रैली बची है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है आराम से रहेगा जो 3 से 6 महीना स्मॉल कैप। इसलिए मैं स्मॉल कैप का कंपोजिशन अभी ज्यादा रखा हूँ विथ इस लॉजिक, ये एक्सपीरियंस आता है, लेकिन मैं नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स को कभी नहीं कहता हूँ कि रिस्क लिया जाए, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि आप 50% लार्ज कैप रखें, 30% नॉर्मली जनरल रूल कि मिड कैप रखें और 20% इसमें रखें। लेकिन सिंस मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, मुझे मालूम है कि मार्केट देखें, बता देता हूँ जैसे मेरा इसमें देखोगे तो आपको इसमें स्मॉल कैप कंपनी मैंने बनाया, जिसमें स्मॉल कैप कंपनी का ज्यादा मतलब होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे पोखरणा स्मॉल कैप है, कार्बनडम स्मॉल कैप है,
जो काफी गिर भी गया, इवन सुंदरम फाइनेंस शायद मिड कैप है, अंबिका स्मॉल कैप है, जेएसडब्ल्यू स्मॉल कैप शायद, देखेंगे चेक करते हैं, मुझे स्मॉल कैप ही लग रहा है, रेन इंडस्ट्री स्मॉल कैप है, टाटा कॉफी स्मॉल कैप है, एविटल नेचुरल स्मॉल कैप है, इंडो कैप स्मॉल, ये मिड कैप कंपनी है, आईसीटीसी बीगार्ड मिड कैप है, एनओसीएल स्मॉल कैप है, एलकन स्मॉल कैप है, ये लार्ज कैप है, डीसीएम भी स्मॉल कैप है, और धामपुर भी आई थिंक मिड कैप कंपनी है। तो मैक्सिमम देखो मैं स्मॉल कैप इसमें ही हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे एक आइडिया है, एक्सपीरियंस है कि अभी कौन सा सेक्टर्स माय कंपनी, मतलब कौन सा पर्टिकुलर जगह पे, मैं सेक्टर भी आइडेंटिफाई कर लेता हूँ मैं देख के कि कौन सा सेक्टर में, जैसे मैंने बहुत पहले इस ग्रुप में पता आप लोग हो कि नहीं, मैंने मेटल्स को बहुत पहले ही बता दिया था कि मेटल्स में ना मेरा रैली आने वाली, आई थिंक मैंने नवंबर को बताया था बीच में कि दिसंबर या नवंबर मैं बताया था ना, दिसंबर या नवंबर को मैंने बताया था कि उस टाइम से देखना ऐसी रैली पकड़ी ना उसको निकल गया, वो एक्सपीरियंस से पता चल जाता है, क्योंकि इंडेक्सिंग मुझे पता चल गया है कि हाँ भाई इसमें निकलने वाला है, तो मैं इंडेक्स देख लेता हूँ, इंडेक्स से मुझे पर्टिकुलर सेक्टर्स में अंदाजा लग जाता है कि क्या चल रहा है अभी। अभी शुगर इंडस्ट्रीज और मैं शुगर का ही बताया था, शुगर पेपर में अभी रैली रहेगी 3 से 6 महीना तक, तो मैंने शुगर के लिए मैंने मुझे लगता है याद है मैंने बताया था पहले कि शुगर इंडस्ट्री में पोजिशन बनाओ, वो भी भाग रही है खूब, अब पेपर पर टाइम आ गया पेपर इंडस्ट्रीज में, तो ये एक है। ठीक है, तो अभी सेक्टर एनालिसिस आप निफ्टी सेक्टर एनालिसिस से ही करते हो या कोई और मेथड है? देखिए मेन तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं सेक्टर निफ्टी का जो सेक्टर वाले इंडेक्सेस है उसको आप चेक कर लो, आपका एक हाई लेवल आइडिया मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप निफ्टी मीडिया है, इसको देख के आपको लग रहा है इसमें कुछ हुआ है अभी तक, आप खुद बताओ, कोई भी आप इसको देख के आप कोई हाँ, ये बता। तो मुझे ही है ना। हाँ, तो मतलब मीडिया वाले कंपनी से हम लोग को दूर रहना है अभी, पहला पहला फंडा इस तरह एनालिसिस करना, हम लोग निफ्टी मीडिया कंपनी से ऑल पीपल विल कम आउट, कोई भी कंपनी जी इंटरटेनमेंट पीबीआर वीबीआर जो भी हम लोग नहीं लेंगे अभी फिलहाल, ओलर क्लियर पार्टिसिपेंट सबको क्लियर है इस चीज पे, नहीं लेना हम लोग को बिल्कुल भी छूना नहीं है। ठीक है, मेटल्स पे चलते हैं, मेटल्स पे यस अब एकदम रैली ऊपर चल रहा है बना रहा है, हम लोग इसे पोजिशन बनाएंगे लेकिन अच्छी कंपनीज में, जो भी अच्छी टाटा स्टील हो गया उस टाइम पोजिशन बनाएंगे, ये अच्छा लग रहा है। इंफ्रा वाले कंपनी में यस ये भी अच्छा बन रहा है, इसको भी ले सकते हैं। एनर्जी वाले में ये भी अच्छा है, एफएमसीजी वाली कंपनी में ये भी अच्छा है, इसलिए मेरिको मैंने बोला था लेने के लिए अच्छा है। ऑटो वाली कंपनी अभी थोड़ा सा डाउन हो, थोड़ा बाद में लेंगे ऑटो वाली, इसलिए ऑटो कंपनी अभी तक मैंने कोई बोला नहीं लेने के लिए। रियल एस्टेट में बिल्कुल लेना नहीं है, अभी मरा पड़ा है, इसको छोड़ देना है बिल्कुल। पीएसयूज में पीएससी वाले में जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। और निफ्टी बैंक है, प्राइवेट बैंक है यस अच्छा चल रहा है, लेना है इसको बिल्कुल। निफ्टी पीएसयू को बिल्कुल लेना नहीं है, बिल्कुल पैसा डुबाया है देख सकते हो नीचे, इसको अवॉइड करना है। निफ्टी फार्मा वाली कंपनी यस फार्मा वाली कंपनी ऊपर आ चुकी है बिल्कुल, तो निफ्टी फार्मा वाली कंपनी जो भी अच्छी है उसको आप पोर्शन बना सकते हो फिलहाल। और आईटी वाली कंपनी में बिल्कुल आईटी वाले में अच्छा बूम चल रहा है, एकदम सही चल रहा है अभी तक कोई वो नहीं है, तो निफ्टी आईटी कंपनीज में अच्छे वाले में लेना है, जो टीसीएस है वो। हाँ सॉरी सॉरी, ये तो ट्रेंड दिखा रहा है कि चलो अप जा रहा है, हाँ तो डाउनवर्ड कैसे ट्रैक करें कि कब हमें निकलना है, या कैसे डिसाइड करें कि यार दिस इज द पिक नाउ? हाँ ये भाई अच्छा सवाल पूछा, बहुत अच्छा, आई एम रियली हैप्पी कि ये सवाल कोई मुझे पूछेगा। तो होता है क्या, देखा अभी देखे जा रहे हो ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है ना, सबसे बेस्ट तरीका कि जो भी ना ये जो इंडेक्स चला है, जो भी इसका आप वीक में क्लिक करने का, जो भी इसका नीचे का जो लो बनता है ना, बेसिकली लो, ये जो लो बनता है ना, अगर ये इसको तोड़ के नीचे आ जाता है ना, यू ट्राई टू अवॉइड, मतलब उसका निकल ही जाओ फिर अब लो को। अब एग्जाम्पल दे, देखो इसका लो था ठीक है, अब ये अभी अगर इसको तोड़ के, इसका लो को तोड़ के अगर ये वाला मान लो गिरने लग गए, ऑब्वियसली गिरेगा तो इंडेक्स भी गिरेगा, अगर गिरते गिरते इंडेक्स फॉर एग्जांपल ये गिरा और गिर के इसको तोड़ के यहाँ आ गया फॉर एग्जांपल इस जगह पॉइंट पे, वी विल एग्जिट सिंपल। ये जो पहले का जो भी होता है ना लो लास्ट वाला ये वाला, इस पॉइंट को देखना है, इस पॉइंट से जो हम लोग का लक्ष्मण रेखा भी बोलते हैं इसको, ये जो बाउंड्री लाइन 2025,000 से इसको निकलेगा तो हम लोग एग्जिट। देखो कभी भी जब मार्केट गिरी ना तो पीछे वाला लो को नहीं तोड़ता है, देखो पीछे वाले को ये है ये है ये है ये वो ये है ये तो अब यहाँ पर मैंने बाई किया तो अब यहाँ चले गया, तो आपको नेक्स्ट जो स्टॉप लॉस अगर पूछा जाए तो मुझसे क्या होगा, तो स्टॉप लॉस हम लोग रहना चाहिए पीछे का लो ये, अब यहाँ पे है तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे ठीक है, मतलब आपने बाई करा ठीक है, अगर कोई स्टॉक यहाँ तक चला गया तो इसलिए स्टॉक का देख लेते हैं ना, कोई स्टॉक बताओ जिससे आपको लगता है कि गिरेगा कोई एग्जांपल स्टॉक। ये आप वीकली वीकली उससे मतलब वीकली वाले पे लगा रहे हो ये? हाँ वीकली पे करो, हाँ वीकली पे, हाँ वीकली पे प्रीवियस वीक पे। हाँ कोई आपको भी स्टॉक बता, का वीकली चार्ट पे देखना है या डेली पे? इसको अब इसको वीकली पे देखना है स्टॉप लॉस के लिए। ओके ठीक है, और डेली से क्या रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे उसका ही लगाओ शुगर वाली का जो धर्मपुर शुगर है, ठीक है धामपुर शुगर है सिंपल करेंगे धामपुर उसका वीकली एक बार। हाँ ये धामपुर इसको हम लोग, हाँ ठीक है धामपुर शुगर इसका वीक हो गया, तो इसका वीकली क्या आपका ये स्टॉप लॉस ये रहेगा ये वाला, देख रहे आप ये है 314, जैसे इसका नीचे आएगा हम लोग निकल जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल, सोचेगा ना प्लस हो फायदा भी, रियली डोंट केयर, रियली डोंट केयर। तो लेकिन 20% डाउन हो गया ना, डाउन हो गया ना, हाँ ये रिस्क तो ज्यादा है, तो आप और इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं इसका तरीका देखिए यही होता है, एक तो मेरे साथ बेस्ट तरीका है, अगर ज्यादा आपको बचा तो आप डेली में चले जाना,
ठीक है, और डेली का जो होता है ना इसमें चले जाना आप, डेली का जो वो होता है लो वहां चले जाओ, लेकिन मेरे साथ वीकली बेस्ट होता है ये। तो लॉस तो मार्केट में देखिए प्रॉफिट लॉस तो रहेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वी कांट डू एनीथिंग ऑन दिस, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं हमेशा ये बोलूंगा जो नीचे का जो लो होता है उसको आप स्टॉप लॉस लगा के चले, जैसे 340 नहीं है इस वीकली में, देखा 340 के नीचे आएगा आप लोग निकल जाएंगे इसको बिल्कुल, कुछ भी हो जाए वी डोंट केयर। अभी हम कोई भी स्टॉक लिया आप देखा वो वीकली में नहीं गिरा होगा, कोई भी स्टॉक देख सकते हैं, और कोई स्टॉक आप बताइए, स्टॉक तो डिस्कस करेंगे हम लोग। ग्रेफाइट भी लगा लो मेरा हाँ सॉरी बोल, गिरा। अब अपना अब मैं कहूँगा सबका अपना स्टॉक जो भी है, अब मुझे लगता है स्टॉक डिस्कस करते हैं, स्टॉक आप बताइए या कुछ उस टॉपिक पे डिस्कस करना है, सर मैंने स्प्लिट का पूछ लिया था, कोई और डिस्कस कोई टॉपिक, तो स्टॉक पे चलते हैं, स्टॉक बताइए स्टॉक। सर एक्चुअली इससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ प्लीज पूछिए। आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना तो बता दिया, दैट इज क्लियर, बट अगर हमें पर्टिकुलरली निफ्टी आईटी में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी फार्मा में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए हम कैसे इन्वेस्ट हाँ करेंगे? तो इसके लिए भी एक इसका भी इन लोगों ने ETF बना दिया, अगर आप देखोगे ना तो ये जो कंपनी है इसका जी मुझे इससे तो नहीं पता कैसे लेता है एमएलए सॉरी, लेकिन स्मॉल कैश में आप जाओगे ना तो यहाँ से जाके आप यहाँ पे ना ETF आईटी का भी रहता है, ETF जैसे कोटक देख रहे हो कोटेक आईटी ओके ETF, ओके आईटी एजेंसी ऑफ आईटी ETF। अब ये पर्टिकुलर सही बोला, अच्छा सवाल है, जो पर्टिकुलर सेक्टर पे आपको लग रहा है बूम होने वाला है तो मैं उसी सेक्टर का ETF लूंगा ना। जैसे फार्मा, मुझे पता था कि फार्मा, तो हम लोग दुनिया भर का निफ्टी 50 क्यों लेगा, निफ्टी 50 का रिटर्न मान लो को 20% है, फार्मा का 50% है कि नहीं, राइट? अब सही बोला, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, ओके आपने एनालिसिस किया कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर सेक्टर ही जाएगा तो पर्टिकुलर सेक्टर पर इन्वेस्ट कर देगा ब्लाइंडली, सही है, निफ्टी 50 सॉरी निफ्टी आईटी सॉरी, ठीक है ना, आपको क्लियर है इसमें? यस क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? सर इसमें आप मेरा नेक्स्ट एनालिसिस करते क्वेश्चन, सॉरी एक करके पूछे आप। मैं पूछ रहा था इसमें एनालिसिस करते समय टेक्निकल इंडिकेटर्स भी वगैरह यूज करते हैं नहीं करते हैं? वो टेक्निकल इंडिकेटर हम लोग आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उस पर हम लोग करें, अभी हम लोग जो नॉलेज है अभी थोड़ा चार्ट देखना सीख गए हम लोग, और हम लोग शेयर होल्डिंग और मार्केट कैप सीख गए, दो चीज उसी टॉपिक, अब सॉरी लेकिन मैं उसी टॉपिक पे हम लोग उसी डेटा पॉइंट्स पे हम लोग अभी अपना एनालिसिस करेंगे, वो इंडिकेटर डेफिनेटली मैं ठीक आऊंगा ठीक उस पे, मैं बताऊंगा कि वो ओके कैसे ओके यूज करते हैं, लेकिन अभी हम लोग कंफ्यूजन ना हो किसी को भी, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहा है इसलिए एकदम स्लोली स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल मैं कंफ्यूजन क्रिएट ओके नहीं करना ओके चाह रहा हूँ इसलिए, वो इंडिकेटर यहाँ बिल्कुल पे जैसे जो सॉरी सर स्टेप लॉस बताया आपने कि आप में यहाँ पे वीकली चार्ट पे लगा दिया, ठीक है, तो दैट इज फाइन। सो एग्जिट एग्जिट के लिए आप लग गया कि यहाँ पे आ गया तो हम एग्जिट कर जाएंगे, यस फिर दोबारा री एंट्री कैसे करें इस चार्ट पे? जैसे नहीं उसको हम लोग अवॉइड मुझे कर देना, पता है नहीं कि नहीं निम, उसको उसका निम, अभी हम निम, लोग उसको छोड़ देंगे फिलहाल, जब ऐसा कोई निकल गया हम लोग निकल जाएंगे, जैसे हम लोग अदानी पावर्स का फॉर एग्जाम्पल देखो, उस स्टॉक से हाँ जब ऐसा कोई सिचुएशन हो तो मेरे हिसाब से उस स्टॉक को मैं पर्सनली बोलूंगा कि इतना ज्यादा कंपनी देख सकते, BSE 5000 कंपनी है, NSE 23000, हम लोग एकदम छोड़ के दूसरा में चले जाएंगे बिल्कुल, आंख बंद करके बिल्कुल सोचना भी नहीं है, कि जैसे अदानी पोर्ट्स था एग्जाम्पल देखो, देखो अब ये पीछे का वीकली ये था ना आपका, देखो ये वाला ये पॉइंट था, ये था आपका स्टॉप लॉस ये वाला, ये निकल गया टूट के, अब हम लोग निकल जाएंगे, वी रियली डोंट केयर ये ऊपर आए नीचे आए, वी डोंट रियली नहीं, जैसे डोंट, अदानी पोर्ट का हम जान रहे हैं ना कि मतलब अच्छी कंपनी है, फिर कभी कभी बढ़ेगा, तो कहाँ पे तो हम डिसाइड करें कि यहाँ पे मुझे एंट्री करना चाहिए? विथ में क्या करूँ आपको ऐसा, जब भी सिस्टम आप उसको अवॉइड करें, रीजन क्या है ना, जब अगर कोई कंपनी ऐसा हो जाता है, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो 6 महीना तक, सच बता रहा हूँ 6 महीना तक वो उसी जोन में फंसा रहता है, वो आपको नहीं मतलब पैसा बना के नहीं देगा, वो बिल्कुल वो टाइम पास करेगा बेसिकली, वो नीचे ही रहेगा, ऊपर नीचे मतलब पैसा ट्रैप हो जाएगा एक तरह का, नहीं तो तो उस स्विंग के लिए बोल रहे हो ना, स्विंग के लिए ठीक है कि आप मंथली आपको इनकम चाहिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे अब मान लो कि मैंने एग्जिट कर दिया, 20% लॉस हो, एग्जिट कर लिया, अब मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हूँ, किस पॉइंट पे एंट्री करूंगा इस अगर स्टॉक में? अगर मुझसे अगर बोला जाए इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, देखो जब ये होता है ना तो दूसरा जो स्विंग मिलेगा आपको लो वहां पे आप ले सकते हो, जैसे ये है 508 अगर आपको लेना है तो, लेकिन मैं कभी प्रिफर नहीं करूंगा, लेकिन आपने पूछा सवाल तो आपने, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो नेक्स्ट लो है ना वहां पे लेना पड़ेगा आपको, तो ये 508 510 देखिए जल्दी आपको मुलाकात होगा, आप चेक करना, वो भले 2 महीना बाद आए या 6 महीना बाद आए, लेकिन 510 नंबर आप याद रखना, मुलाकात होगा पक्का आपको, लेकिन फिर आप क्यों 6 महीना साल भर पैसा बर्बाद करेंगे, आप खुद बताया ना यार, आपको इतना हार्ड अर्न मनी है, अगर आपको ये आएगा मान लो धीरे धीरे करके ऐसा गया, मतलब चार्ट कुछ इस तरह बनता है ऐसा आया, फिर वो फिर बेचारा फिर तो नीचे आएगा, फिर कुछ 5% बढ़ेगा तो लोग बोलेगा अरे अरे अभी तो 10% बढ़ गया ले लो तो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा ठीक है, फिर बोलेगा लोगों ने बोला अरे यार इसमें तो 12% बढ़ गया, संजीत ने तो बोला था, तो गिर जाएगा फिर ऊपर चला गया, तो मार्केट में तो शेयर ऊपर नीचे होता है डायरेक्ट, फिर गिरा इतना, फिर ऐसा अगर कुछ बनेगा चार्ट ऐसा करके ऐसा बनेगा, फिर कुछ दिन यही टाइम पास करेगा ऐसा, अगर यही रहेगा वो कुछ इस तरह करके मैं बता रहा हूँ, यहीं पे घूम रहा है ये, यहाँ रहेगा, फिर थोड़ा ऊपर गया,
मतलब रेंज बाउंड हो जाएगा, यहाँ जाएगा फिर ये ऊपर घूमेगा ऐसा करके, फिर यही रहेगा कुछ टाइम टाइम पास इधर रहेगा। मैं तो प्राइस का मूवमेंट ही मुझे आइडिया मिल जाता ना क्या करेगा स्टॉक, ऐसा रहेगा फिर ऐसा करेगा, जब ऐसा करते करते पूरा टाइम खा जाएगा आपका 2023 हो जाएगा, तो अभी टाइम देखिए मार्केट प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, फिर जाके वो ऐसा आएगा। तो ये जो आपका टाइम पीरियड जो लॉस होगा ना, टाइम इज मनी इन द मार्केट राइट, तो वी हैव टू यूज दैट टाइम टू मेक द मनी, तो वी शुड अवॉइड सच कंपनी वेयर दिस लाइक ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए तो इमिडिएटली हट जाना चाहिए मेरा हिसाब से, मतलब बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। Okay. एक वो संजीव भाई ने डाला है ना वो वाला स्टॉक देखते हैं गुजरात गुजरात क्या है फ्लोरो गुजरात फ्लोरो ठीक है आपका, आप लोग स्टॉक का नाम उसमें हाँ सॉरी उसका एक बार उसमें एक ये बताना कि प्रॉफिट पॉइंट कैसे चेक करते हैं कि कहाँ एग्जिट करना है, मतलब कितने प्रॉफिट के बाद हाँ, कर लेना चाहिए कि रिस्क है कि इसके बाद अब डाउन आना शुरू होगा। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत 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 अच्छा ठीक है बहुत सही। तो हाँ सॉरी आपको और कुछ पूछ रहे थे, कोई सवाल पूछिए आप भी कंटिन्यू कर ताकि सर मिक्स सेम हो तो मैं बता दूं। मेरा क्वेश्चन थोड़ा मैं आपको समझ गया। एक और सर पूछ रहे थे, बताइए आपका क्या सवाल, एक और कुछ पूछना चाह रहे थे। एक मेरा क्वेश्चन है जनरिक क्वेश्चन है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है। दो टर्म्स हैं मार्केट में जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली सुनते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो ये जैसे आप मुझे चार्ट दिखा रहे हो इसमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट लेवल कैसे देखते हैं? हाँ, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, डेफिनेटली इसको मैं डिस्कस करूंगा, अभी बताऊंगा इवन। ठीक है अच्छा ठीक है, तो पहले हम लोग इसको चलते हैं कि ये जो गुजरात फ्लोर है इसमें क्या चल रहा है, इस पे क्या एक्शन लेना है फिलहाल। अभी ये मैंने डिस्कस किया चार्ट लेने के लिए, मैंने कहा था बहुत अच्छा है, वीकली पे देखा आपने, तो हम लोग अभी देख रहे हो इसमें ना ये बहुत अच्छा चल रहा है कंपनी, एकदम ऊपर जा रहा है, जो मैंने कहा ऑल टाइम हाई, मतलब जो हाईएस्ट प्राइस चल रहा है, ये बिल्कुल होल्ड करना है, कोई सेल नहीं करना है। सेल करने के लिए आपको मैंने बताया वीकली में जो लो बनता है वहां निकालना है, लेकिन आप इसमें एक सवाल पूछ सकते हो कि भाई इसका तो वीक काफी नीचे आ रहा है, अराउंड कितना परसेंटेज हो गया, हम देखो परसेंटेज वाइज ना 20% है, 24% का ही आ गया। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा नुकसान है तो आप डेली में, लेकिन मैं कहूंगा वीकली में ही करो, क्योंकि वीकली जल्दी वो ब्रेक नहीं होता है कभी भी, अच्छा कंपनी रहेगा कभी भी लो अपना ब्रेक नहीं करता है कभी भी। लेकिन अगर आपको लगता है ज्यादा स्टॉप लॉस हो गया, आपको जल्दी निकलना है, तो आप अपना डेली में भी कर सकते हो, लेकिन डेली में देखो कोई ब्रेक हो गया ये, तो वीकली का आपको स्टॉप करना चाहिए। कब तक होल्ड करना है इसका, अगर ये तो ज्यादा स्टॉक देखो अभी से, ये क्या स्टॉक पूरा इतना लंबा बाउंस कर गया राइट, अब देख लो जब भी कोई इतना बड़ा स्विंग मारता है ना तो ये थोड़ा टाइम पास करता है अपने रेंज पे, तो ये रहेगा। और आपको मेरे हिसाब से एक प्रिंसिपल बना लो, जो भी वीकली में रहता है लो वहीं तक रखो, यहां तक नहीं आएगी कंपनी बिल्कुल भी, आप होल्ड करो, इसको दिक्कत नहीं है कंपनी पे। ठीक है, तो अभी इसका लो मैं भी बोलूंगा, एक अभी कंफ्यूज मत, हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो हम और भी डिस्कस करेंगे कैसे करता है ये। एक मैंने एक जस्ट एक रूल अभी बता दिया थंब रूल कि ये मान लो कि जो वीकली में जो लो बनता है वही स्टॉप लॉस है फिलहाल, हम जैसे आगे पढ़ेंगे तो हम लोग और नया तरीका देखेंगे कैसे स्टॉप लॉस को और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस तो ठीक है, मतलब जैसे किसने लिया यहाँ पे तो अब उसको प्रॉफिट कमाना है तो कहीं ना कहीं एग्जिट करेगा ना। अच्छा एग्जिट के लिए होता है ना, एग्जिट आपको ट्रेलिंग करना है, जैसे मान लो आपको निकलना नहीं है, जब तक स्टॉक ऊपर चल रहा है बैठा रहना जम के, कैसे बैठ कर जम करना है, अभी जैसे मान लो स्टॉक यहाँ आ गया ठीक है, अगर इसका नीचे आ गया तो मैं निकल जाएगा, सही बात है। अब क्या करना है, अब स्टॉक ऊपर चला गया फॉर एग्जांपल, कल चल रहा है इस पे, यहाँ से ये कल ऐसा चल दिया, वो बस दोबारा ऐसा चल दिया, मान लो चल दिया आपका, तो आप इसको होल्ड तब तक करना है जब तक ये लो ब्रेक नहीं करेगा, तब तक आप पकड़ा दो, इसको निकलना ही नहीं आपको, जब तक पैसा बनेगा जम के पकड़ कर, अगर होल्डिंग में है आप, यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट कर, इसको पकड़ा रहा, छोड़ना नहीं इसको, छोड़ेंगे कब, जब भी टूटेगा, अभी देखने कुछ दिन बाद ये ब्रेक करके यहाँ निकलेगा, फिर यहाँ के आपको जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसने मान लो कि 810 पे लिया होगा तो उसको तो मिलेगा नहीं, 24% डाउन आएगा तब वेट करेगा, नहीं समझा क्या उसको, जैसे मान लो किसने 810 पे लिया था वो स्विंग किया 24% बढ़ गया ठीक है, अब स्टॉप लॉस 820 पे लगाया उसने, अब वो ट्रिगर किया तो फिर 10 रुपए उसको मिला, 10 रुपए मिला, मैंने समझा आपके बात, क्या कहना चाह रहे हो? नहीं जैसे किसने बंदे ने इन्वेस्ट किया 810 पे, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया उनका, क्या कहना चाह रहे हो? और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया लेकिन है उसको गया था वो 1000 रुपए तक गया था ना, तो हमें फिर 10 रुपए ही मिला। हाँ तो ये होता है ना मार्केट में, तो ये तो होता है और क्या करें, ये तो बिल्कुल होता है, यस ये सर ये बिल्कुल फैक्ट है, मैटर ऑफ फैक्ट है, बिल्कुल होता है, आपका पूरा गेन चला जाएगा, यस होता है, बहुत होता है, ये बिल्कुल होता है मार्केट में, आप जितना गेन किया बहुत बार हुआ। अच्छा अदानी पावर से देखो तो अगर हम लोग नहीं निकलता तो पूरा गेन नहीं चला जाता, आपको देखो ना अदानी पावर का देखो, देख लो आप, एक वीक पहले अपन बात कर रहे थे 900 पे था, आपने कहा नहीं होल्ड करो अभी तो, लेकिन उसका मैं एग्जिट, लेकिन उसका मैं एग्जिट करवाया ना जब न्यूज़ आया, मैंने कहा एग्जिट करो निकलो बिल्कुल, जैसे न्यूज़ आई हम निकल गए,
निकल गए, ये तो होता ही है। हाँ एक सवाल इसमें पूछा था ब्रेकआउट का, अच्छा लगा था पूछा, मैं इसको सवाल को बता देता हूँ मीनिंग क्या है। ये बहुत अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, इससे पहले एक क्वेश्चन है, जैसे लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप तो आपने डेफिनेशन बता दी, अब जैसे स्मॉल कैप की कंपनी ले लें, जैसे मदरसन सुमी ले लें या ये ले लें आपकी मिंडा इंडस्ट्रीज है, ये है स्मॉल कैप की कंपनी, लेकिन जो इनके इन्वेस्ट जो इनके क्लाइंट्स है वो सारे लार्ज कैप के हैं मैक्सिमम, लार्ज और मिड कैप के, तो फिर इन कंपनीज को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, इनको स्मॉल कैप में रखेंगे कि मतलब इनको हम, क्योंकि क्लाइंट तो बड़े बड़े हैं ना, तो एक तरह से इनका काम तो बढ़िया ही है। नहीं नहीं सही, बिल्कुल आप सही हो। तो होता क्या, जब अभी जब स्मॉल कैप पे जाए तो निफ्ट, जो भी निफ्टी स्मॉल कैप का 100 कंपनीज है, तो निफ्टी में स्मॉल कैप में तो 1000 कंपनी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको क्या करना है, जो टॉप मार्केट कैप वाली कंपनी है, जिससे हम लोग यहाँ पे देख रहा था, इधर आते हैं और यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं फॉर एग्जाम्पल वेब वाले पे, ये ठीक है। तो हम लोग मार्केट कैप के वैल्यू पे यहाँ चलते हैं इंडेक्स, और हम लोग चले गए स्मॉल कैप पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, इस पे जाना है, स्टॉक्स पे गए, तो जो स्मॉल कैप का जो मार्केट कैप जिसका ज्यादा है सबसे हाईएस्ट, तो ऊपर का ही आप, ऊपर के ही 20 में रहो आप। जैसे ये निफ्टी स्मॉल कैप 100 कंपनी का इंडेक्स मिलके बना हुआ है, तो आप 100 को नहीं लेना है, आप 100 का टॉप जो 50 वाली है उनको, 50 को आप ले लो यहाँ से, देखो ये 100 कंपनी टोटल देखोगे ना, ये टोटल 100 कंपनी है स्मॉल कैप पे, वो 100 भी क्यों ले, नीचे वाला बॉटम को टच ही क्यों करेगा हम लोग, जो नीचे वाला जो है उसको ऊपर वाले लेंगे बस, ये वाले, ठीक है ना। तो जैसे आपने बोला कि सही बात है, तो वो मदरसन सुमी उसमें आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हम बोलो स्मॉल मिड कैप में देखो आप, तो मतलब उस टाइप वाला कंपनी में होगा, नीचे वालों क्यों टच करेंगे, नीचे टच नहीं करना है, स्मॉल कैप है मिड कैप, मिड कैप के बाद जो भी टॉप वाली कंपनी है इस लिस्ट में, इसको इसके साथ ही रहो, इसमें आपको मिल जाएगा। मतलब देखना शुरू करें चार्ट वार्ट फंडामेंटल और देखें, तो हम लोग पता चल जाएगा इसमें लेना कौन है, वो धीरे धीरे हम लोग स्टडी करेंगे कि इसमें निकालना क्यों है। इसमें 100 में मुश्किल से मेरे हिसाब से 10 कंपनी या 15 कंपनी अच्छी होती है, बाकी सब मतलब मेरे हिसाब से कचड़ा ही होता है। तो वी विल आइडेंटिफाई हाउ टू डू दैट इन लेटर स्टेज, ठीक है। तो आपको समझ में आया, डाउट क्लियर हुआ क्या आपको? अच्छा एक 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 सर इंडेक्स होता है निफ्टी नेक्स्ट 50, वो कौन सी कंपनीज होती हैं? हाँ अभी देख लेते हैं उसको भी, आपको सामने देखते हैं। तो नेक्स्ट 50 का मतलब क्या, मैंने कहा जो मार्केट कैप का बेसिस पे डिफाइन होता है, तो जो टॉप 50 कंपनी होती है वो बड़े बड़े मार्केट कैप होती है, सबसे ज्यादा मार्केट कैप होती है रिलायंस के, फिर नीचे करके जो भी आता है नीचे करके, आप देखो निफ्टी 50 का मार्केट कैप हम लोग देखें इसमें, तो सबसे यहाँ पे जाएगा था मार्केट कैप डिक्रीजिंग ऑर्डर में, रिलायंस का सबसे ज्यादा है, फिर टीसीएस का, ऐसे करके जाते 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 आपका मतलब जो भी है हीरो मोटोकॉर्प का सबसे कम है इस निफ्टी। तो अब इसका नेक्स्ट जो भी 50 कंपनी है निफ्टी 50 के बाद जिसका मार्केट कैप हीरो मोटोकॉर्प से कम है, कम लेकिन अच्छा। हाँ वो 50 कंपनी का पार्ट बन जाए, तो निफ्टी 100 तक आप ट्राई करेंगे रिटेल इन्वेस्टर हम जैसे लोग, निफ्टी नेक्स्ट 50 तक ही कंपनी के साथ चिपके रहे बचने के लिए। मैं तो अब एक्सपीरियंस हो चुका, मुझे मार्केट का आइडिया, तो मैं कहीं भी घुस जाता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती कि मुझे मालूम है कि चल क्या रहा है कंपनी में। लेकिन कोई भी नया इन्वेस्टर जो आता है जो मार्केट में सीखना चाहता है, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 तक ही रहे सबसे बेस्ट है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी में रहे ये है। तो नेक्स्ट 50 है, अब देखो उसका मार्केट कैप ऑब्वियसली बढ़ गया, लेकिन आप उस पर कंफ्यूज मत होना कि 2 लाख दिखा रहा है, क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ गया ना, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो चीज से। ये मान लो कि ये नेक्स्ट 50 वाली कंपनी है जो है, जैसे ये डीमार्ट हो गया, अदानी ग्रेन्स, अदानी इंटरप्राइज, हाँ ये सब नेक्स्ट 50 है, ये डाबर हो गया। तो जैसे कंपनी बड़ी हो गई, तो ये निफ्टी का पार्ट मिलेगा इनको, देखिए कुछ दिन बाद ये लोग कंपनी ही निफ्टी 50 का दोस्त बनेंगे, कुछ दिन बाद, अभी नहीं कुछ दिन बाद ये खुद आ जाएंगे निफ्टी 50 में चल के। जैसे नेक्स्ट चांस है कि डीमार्ट, बहुत बड़ा चांस है देखना, कुछ समय बाद आप देखोगे कि डीमार्ट घुस जाएगा कहां पे, आपका निफ्टी 50 का पार्ट बन जाएगा, और वहां से कोई निकल जाएगा, और निफ्टी 50 का पार्ट बन जाएगा, और वहां से कुछ निकल जाएंगे, एक बाहर आ जाएगा। तो वो डिपेंड्स करता है, वो निकलते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है। तो टॉप परफॉर्मर जो होता है वो हमेशा निफ्टी 50 में रहता है, ठीक है आपको क्लियर है? और एक क्वेश्चन वो प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक्ड है, जो पहले आप चार्ट शो कर रहे थे ना, जहाँ पे ये क्वेश्चन राइज हुआ कि प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो बुक करना पड़ेगा, तो क्या ये कहना सही होगा कि हर हर वीक हमें अपना स्टॉप लॉस चेंज कर देना चाहिए अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड जा रहा है तो? वीक तो नहीं कहूंगा मैं, वो मंथली में एक बार चेंज करने से ठीक है, जिसे मुझे किसी ने पूछा था एक बार, मैं मंथली में ठहरेगा रहेगा मेरे हिसाब से, मंथली में आप ट्रेल करते रहो। जैसे मैं कोई स्टॉक, जैसे मैं आपको कोई स्टॉक और बोलो जो मैं डिस्कस, कोई भी स्टॉक आपका नाम माइंड पे है बताओ, जैसे कोई भी जो आपको लगता है देखना चाहिए। एक मेरा स्टॉक है वो मैं फंसा हुआ हूँ उसमें, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस का एक आईपीओ में लिया था मैंने, एक्चुअली क्या नाम है, हाँ सूर्योदय ना, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल, थर्ड नंबर ऊपर से, थर्ड नंबर यही है ना? हाँ अब देखिए ये ऊपर से नीचे गिर गया था, आप देखो इसमें तो इसको मेरे हिसाब से
इसमें सिंस वीकली वाला तो बने, कब लिया था आपने पता नहीं इसको, कब लिया था आपने? आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आईपीओ आया था इसका कुछ दिन पहले। देखिए तो इसको मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल आग बनकर एग्जिट कर देना चाहिए। इसका रीजन आप खुद देख लो, पहली बार स्टॉक नीचे में है, डाउन ट्रेंड में है। कभी भी हम लोग बाइंग करता है तो हम लोग हमेशा ऐसा स्टॉक लेंगे जिसका ट्रेंड ऊपर है, जो अप ट्रेंड मैंने आपको बताया 45 डिग्री पे। ऐसा कभी भी आए ऐसा स्टॉक में हम कभी भी इन्वेस्ट, क्योंकि बाइंग का मतलब ऊपर जाएगा तभी पैसा बढ़ेगा हम लोग को। तो हम लोग वी विल सिंपली हम लोग कभी ऐसा स्टॉक नहीं लेंगे जो नीचे की तरफ है, एकदम बिल्कुल ऐसा को एग्जिट कर देना चाहिए विद स्टॉप लॉस। अगर हम लोग जो डिस्कस किया उसका बेसिस अगर वीकली में जाए तो देखिए वीकली में आपको वीक ये था ना, इसी में निकल जाना चाहिए था आपको, ये वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकलना था आपको। ये जो कौन सा है 249 में निकलना, पहला मौका था आपको निकलने का। ये देख रहा छोटा सा बना, देख रहा छोटा सा एकदम 248 में निकलना था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था आपका 238 में, और तीसरा पॉइंट था निकलने का आपका 225। तो ये जितना भी निकलते हैं लो आपको निकलते जाना, अभी नया लो बनेगा। पता है इसका चार्ट कैसे बनेगा मेरे हिसाब से? देखो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है ऐसा भाई बताओ, फिर ये आपको लगे अरे ऊपर जा रहा है ऊपर आ रहा है, फिर ये नीचे आएगा, फिर नीचे ज्यादा आएगा, फिर वो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। तो एक अपने ब्रेकआउट का सवाल पूछा, ऐसा सवाल पूछा जो मैं इसका आंसर देना चाहूंगा उसको, बल्कि हम लोग और डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में, लेकिन उसका आंसर जवाब देना चाहूंगा। किसी ने मुझे पूछा था, कौन गौरव ने पूछा था, वैभव किसने पूछा? गौरव जी पूछे। हाँ ठीक है, गौरव जी पूछे। सवाल पता होता है ना, जब भी कोई कंपनी एक रेंज बाउंड में फंसी, अब लोग ध्यान सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, आप समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज समझ लेगा मुझे लगता है ना मार्केट में पैसा बना लेगा, सच बता रहा हूँ। बहुत ही क्रंच इसने अच्छा सवाल पूछा एकदम। अब देखो होता क्या, ये आपका स्टॉक देख लो ठीक है, आप ये स्टॉक लिस्ट हुआ था आपका मान लो अराउंड 1985 में, चल रहा है मस्त चल रहा है, हम लोग लेटेस्ट डेटा ही देखेंगे। आप देखो 2017 में ठीक है, ये स्टॉक का प्राइस था 324 के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाया, वो टूट गया पूरा, गिरा। और उसके बाद इस पॉइंट पे अराउंड 2020 जून में इसने इसका जो हाई था उसने ब्रेक कर दिया इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जो ब्रेक करके निकल जाता है प्रीवियसली एक रेंज वाला बाउंस है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकआउट। किस स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है अपना पुराना को तोड़ के निकल गया ये। और देखिए और हम लोग एंट्री हमेशा ब्रेकआउट में लेना, हम लोग इस पॉइंट पे लेना था कहाँ पे 342 में, जब हम लोग कंफर्म ब्रेकआउट मिल जाए। तो मेरा था मैक्सिमम स्टॉक देखना आपको ब्रेकआउट स्टॉक से होगा जो मैं शेयर करता हूँ। देखो इसको आप यहाँ पे इसको हम लोग लेना था एंट्री 338 में, हम लोग को घुसना था इसमें और इसको पोजीशन बनाकर बैठना था। बनाया था बहुत सही भी किया, हमको रिटर्न भी अच्छा मिला, लेकिन अब देखो यहाँ से वापस से इतना ड्रम से वापस गिर गया राइट। तो हम लोग को जिस जगह ब्रेकआउट आया ना उससे नीचे आता है हम लोग निकल जाना चाहिए उस पॉइंट पे फटाफट, जिस पॉइंट पे हमने घुसा ना ब्रेकआउट का उसका जो लो है, पहले लो क्या था मैंने बताया ये वाला पॉइंट 312, यहाँ पे आपको घुसना था आपको यहाँ पे अराउंड कुछ 335 पे और निकलना था अगर 312 पे। रिटर्न भी अच्छा जा रहा था नो डाउट, लेकिन कोविड आ गया बीच में। तो बेचारा ये एक्चुअली इसको बनाया था नया हाई, ये अच्छा कंपनी था सच बता रहा हूँ। ये आपका ये जाता 393 थी 757 उसी टाइम चला जाता बेचारा, लेकिन बीच में आ गया कोरोना, मार्केट का हो गया सेंटिमेंट्स खराब। तो उस सेंटिमेंट्स खराब हुआ तो उसको लगा झटका और वो देखो आप यहाँ से ये भी गिर गया। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकडाउन हो गया, जहां से ब्रेकआउट हुआ ब्रेकडाउन हो चुका, वहां से फेल हो गया ब्रेकआउट, बेसिकली वो सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि वो गिर गया है। तो हम लोग चलते हैं गुजरात फॉलोइंग पे चलते हैं अभी ठीक है। गुजरात फॉलोइंग जो लेटेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा है इसमें, इसमें आप देखोगे ना तो गुजरात फॉलोइंग में आप देखो इसमें क्या था, इसका जो हाई था देखोगे, इसका जो हाई था 2000 आई थिंक ये है 19 का अक्टूबर में ठीक है। इसका हाई था अराउंड 717 प्राइस, देखो 717 रुपीज, जो 720 रुपीज इसने जो था उस टाइम से कभी पूरा नीचे गिर गया, टाइम पास कर रहा था। इधर हम लोग स्टॉक को लेना नहीं है कभी भी, टच नहीं करना है। हम लोग कब लेंगे इसको ब्रेकआउट पे, अगर ब्रेकआउट प्लेयर हो तो। ब्रेकआउट का मतलब जो भी प्रीवियस एक रेंज बाउंड में स्टॉक रहा था उसको ब्रेक करके निकल गया, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट उसको एक तरीका में एक इंडिकेटर यहाँ यूज करना चाहूंगा, इसको बोलता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने आपको बताया था जो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुआ है, अगर वॉल्यूम बहुत बड़ा सा मीनार बनता है, ग्रीन का मतलब उस दिन में बाइंग हुई होगी उस वीक में, अगर बहुत बड़ा मीनार के साथ अगर वो ब्रेकआउट कहीं हो रहा है बड़े बड़े ग्रीन ग्रीन दिख के, ये जो बिल्डिंग दिख रही है इसका मतलब इसमें बहुत लोगों ने बाई किया है, अब वो ब्रेकआउट रियल है, अब ये एग्जिस्ट करेगा, इसमें नए नए इन्वेस्टर्स
घुस गए हैं इस पर्टिकुलर शेयर्स में, तो आप देखो ये बड़े बड़े मीनार्स बन रहा है इसमें। ये 600 610 क्यों नहीं है ब्रेकआउट, 610 या 12 क्यों नहीं है ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ से भी तो वो प्रीवियस लो को नहीं ब्रेकआउट इसे ही बोल रहा है, लेकिन क्या हम लोग के पास ऊपर भी तो एक ब्रेकआउट बना हुआ है ना पीछे का एक और, ये भी है सही बोला आप, ये भी एक ब्रेकआउट है, करेक्ट आप सही बोल रहे हैं, नहीं ये भी सही बोला आप, ये भी एक ब्रेकआउट है, लेकिन आप देखोगे ना नया ब्रेकआउट है, फ्रेश ब्रेकआउट देता है, मैं उसको बिलीव करता हूँ, ये भी ब्रेकआउट है, मना नहीं कर रहा हूँ ये छोटा, लेकिन ये सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ वी डोंट नो राइट। अब यहाँ क्या क्या पता, यहाँ इसको फिर से एक मिल जाए ये जगह वहीं से गिर जाए वापस, तो होता क्या है इस पॉइंट को जहां से भी आपका जो लास्ट प्रीवियस हाई है, अब इसको फिर मतलब टेक्निकल डिस्कस करेंगे इसको और अच्छे से डीप में करेंगे मैं, क्योंकि हम लोग का डेटा पॉइंट्स नहीं, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। अब ये मान लो जो भी लास्ट पॉइंट है फिलहाल का, अगर वो ब्रेकआउट करके निकल जाता है तो उसको हम लोग ब्रेकआउट बोलेंगे फिलहाल। अब ये जो बोलो ये पॉइंट को मैं मानता हूँ ब्रेकआउट है एक रेंज का, लेकिन अभी ऊपर का ये भी तो है, इसको क्या करेंगे फिर, ये भी तो है इसको भी पकड़ना, तो मैं बोलूँ जो लास्ट का जो भी लेटेस्ट आपके पास है पॉइंट, यहाँ पे उसको तोड़ के निकल गया और सक्सेसफुली निकल गया तो उस एरिया को हम लोग बोलेगा ब्रेकआउट, अगर उसको तोड़ दिया उसको बोलेंगे ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन सबसे ज्यादा हुआ आपका बैंकिंग वाली कंपनीज में, जैसे पंजाब नेशनल बैंक दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक तो ब्रेकआउट, जैसे ये क्या था देखो आप पीछे का जो लो बनाया था मैंने कहा आपको वीकली हम लो, तो इसका लो मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसका लो ये था मान लो, अभी नेक्स्ट बार इसका लो यहाँ बन गया, ठीक है, नया लो बन रहा है, ये वापस आया लेकिन फेल हो गया, पीछे लो आ ही नहीं पा रहा आपका, तो हम लोग निकलना था कहाँ, इस पॉइंट पे निकल जाओ, इस पॉइंट पे निकल जाओ, इस पॉइंट पे निकल जाओ, जो ऊपर जैसे मिलता है पुल निकल जाना है, तो इसको जब ये पर्टिकुलर पॉइंट को तोड़ के अगर निकल जाता है प्रीवियस वाले लो को, अगर वो तोड़ के निकल जाता है उसको बोलता है हम लोग ब्रेक डाउन, और प्रीवियस वाले हाई को अगर तोड़ के ऊपर निकल जाता है उसको बोलता है ब्रेक आउट। तो प्रीवियस का लो देखो क्या उसका रेंज, तो ये रेंज लो, ये लो है, ये लो है, ये लो था, ये तो ये लो बना था आपको 2006 में, ये 2009 में, और ये 2015 में, और 2016 यहाँ पे जब भी स्टॉक जैसे टूट के निकले इस पॉइंट पे हम लोग को निकल जाना चाहिए था। और इसको ब्रेकआउट कब होगा, जब अगर ये पूरा का ब्रेकआउट करके, ऐसे तो ब्रेकआउट यहाँ भी होगा ये, लेकिन हम लोग इसको बोले जब भी ये वाला पॉइंट निकल जाए तब हम लोग बाई करेगा, तो इसलिए मैं ITC के लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ITC से देखते हैं तो ITC में ब्रेकआउट कब होगा, मैं रियल में बोलूं तो ITC देखो ऑल टाइम हाई क्रॉस करना चाहिए, राइट, हां हां जी सर, Yes, please. इसमें नीचे भी ब्रेकआउट जैसा कुछ दिख रहा है, भले छोटा सा है, हाँ. आपके ट्रिगर में नहीं है, बट इसमें पर्टिकुलर जैसे मीनार बन रही है वॉल्यूम की, बना तो मीनार तो बना है, बोला मीनार तो, इस मीनार में आपको देखना ये इसमें लाल वाला भी है, हरा भरा भी है, ग्रीन भी, इसमें सेलर्स भी है, बायर्स भी, दोनों का फाइट बहुत टफ है, अगर ये सिर्फ ग्रीन 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 रहता है, हाँ इसमें ग्रीन ग्रीन रहता है ना, तो अब इसमें देखो जो मीनार बना है इसमें जो स्मार्ट लोग थे यहाँ लेके बैठे हैं, देख रहा 1998 में ही जो मैक्सिम जो है FII DII जो बड़े बड़े लोग है शेयर होल्डिंग, उन्होंने बहुत पहले पोर्शन बनाया हुआ, उसके बाद देखो अब कोई लिया ही नहीं किसी ने, अभी मीनार्स बन तो रहे होंगे, हाँ तो इसमें अच्छी बात है बेस बन रहा है, इसमें लोग अभी कर रहे हैं, हम लोग लेगा इसको, हम बिल्कुल लेगा, मैंने लास्ट टाइम बताया इसको हम लोग बाई करेंगे, जब भी ये क्रॉस कर जाएगा ना 336 पे मैं बिल्कुल बाई कर पाऊंगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे इसको हम लोग बाई, इसको इस पॉइंट पे बाई करेंगे जब 350-360 हो जाए ना तब बाई करेंगे इसको हम लोग। दूसरा प्रश्न ये भी है ना कि सेम स्टॉक अगर 200 में मिल रहा है हम क्यों नहीं लें जब 306 पहुंचे तब लें, क्योंकि ये गारंटी नहीं ना पहुंचेगा इसमें अभी तक वो पुश नहीं आया ना, अभी तक जो बाइंग जो इंटरेस्ट है वो अभी तक जनरेट नहीं हुआ है लोगों के अंदर, देखा तभी तो आपको 200 में अटका हुआ है, हिसाब से ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वैल्यू निकाल सके एक्चुअल कंपनी में वैल्यू है कि नहीं, एंड देन वी कैन पिक द, तो हम लोग इसके लिए तो अभी ऐसा करता हूँ स्टॉक को हम लोग जो डिस्कस करें ऐसे कोई एक कंपनी बताओ हम लोग ने उसका जो पढ़ा है उसका एक पॉइंट पर चलेंगे, पहले कोई भी कंपनी आपको लगता है डिस्कस करना चाहिए, कोई भी बताओ आप लोग एक कंपनी मुझे बताओ, कोई भी कंपनी TCS कर लो या HCL कर लो, ये कोई भी आपको भी जो आपको लगता है जो आपके पोर्टफोलियो में है जो आपको रुला रहा है या खुश कर रहा है या दुख दे रहा है, कोई भी कंपनी, वकार्ड में अभी 20% लॉस हुआ है तो उसमें देखते हैं, हाँ ठीक वकार्ड में, तो सबसे पहले वकार्ड का जो पढ़ाए डिस्कशन वो करते हैं करके वकार्ड, ठीक है वकार्ड पे चलते हैं, वकार्ड का फुल क्या था स्पेलिंग को याद है आपको, वकार्ड का VOWOC, हाँ ये है ना वकार्ड, हाँ ये है, तो ये सबसे पहले है आपका कौन सा कंपनी में आएगा, ये मिड कैप आएगी, राइट मिड कैप कंपनी है जो हम लोगों ने डिस्कस किया वही पढ़ेंगे मिड कैप पे, अभी ये मिड कैप मार्केट कैप चेक करेंगे सबसे पहले, तो मिड कैप कंपनी तो हम लोग को ठीक है मिड कैप पे रहना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 30% मिड कैप होना चाहिए और प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छा है, हाँ बहुत सही है इसका, लेकिन इसका प्लेजिंग परसेंटेज ज्यादा है ना, प्लेजिंग परसेंटेज ज्यादा है मतलब ज्यादा उतना भी नहीं है, 20% जो प्लेजिंग हम डिस्कस किया लास्ट टाइम कि इन्होंने गिरवी रखा हुआ है सर, तो ये पैरामीटर्स पे ठीक है,
ये भी ओके है, ये प्लेजिंग का थोड़ा सा हम लोग को वरी है जो सोचना है। हम लोग चलते हैं जो कॉर्पोरेट अर्निंग हम लोग देखा था वो भी थोड़ा देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जून 18 में था इसका 1000 करोड़ का, 1008 करोड़ का सेल किया था और फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ते जा रहा है, फिर घट गया, 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 सॉरी बढ़ गया, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। तो ये देख रहे हो आप ये डेटा, ये सेल्स आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई इसमें मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछा जाए तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए जिसका सेल्स कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग नहीं है। हम लोग आग बंद करके निकल जाना चाहिए, ये विथ द हेल्प ऑफ दिस डेटा पॉइंट जो कॉर्पोरेट अर्निंग होता है, क्यू का क्वार्टरली प्रॉफिट होता है। तो देखिए इसने मार्च में कोई रिजल्ट अच्छा नहीं दिया बिल्कुल भी। आजकल नेट प्रॉफिट पे चलते हैं, क्या हाल है, -86 करोड़, -23 करोड़, -71 करोड़। बल्कि फार्मा वाली कंपनी में इतनी बड़ी रैली चल रही है, इतना फायदा हो रहा है, फिर भी ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब ये चीज सोचो आप लॉजिकल, इतना कोविड हो गया, इतना इंजेक्शन मिल रहा है, फिर भी ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, इसका मतलब इसको दवा जो बन रहा है, ये जो मेडिसिन, ये कोई काम का नहीं है फिलहाल, हम लोग के लिए तो नहीं है एटलीस्ट इन्वेस्टर्स के लिए। तो हम लोग ऐसा कंपनी से मेरे हिसाब से बड़ा सा, लेकिन जून में जो फंस गया होगा ना, मार्च देखा होगा कि ये 48 करोड़ है और जून का देखा होगा, जून 2020 में 760 करोड़ है। कौन सा कभी इतना बड़ा नहीं हो सकता है जंप, तो आप खुद आपको सोचना है कि भाई जो कंपनी 48 करोड़ से, खुद सोचो आप 760 करोड़ हो सकता है कि 3 महीना में जो कंपनी इतना साल से परफॉर्म नहीं किया, तो कुछ अलग होता है। दूसरा कॉन्ट्रेडिक्टरी पॉइंट भी है ना उसमें, देखो जून में सेल्स डाउन है लेकिन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हाई है। हाँ, इसका मैं थोड़ा आंसर देना चाहूंगा। इसमें होता है क्या ना, जब ऐसा सीनरियो जब भी कोई एकदम सर्ज हो जाए एकदम नंबर ना, 50 से बड़ा नंबर हो जाए, इसका मतलब कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज होता है, कंपनी ना कुछ अपना जमीन बेचती है, कुछ एसेट बेच देती है किसी को, तो उनको बड़ा सा पैसा मिल जाता है, उसी चक्कर में प्रॉफिट आ गया था। अब एक चीज यहाँ देखो, उसको बोलता है अदर इनकम, सिंस मैंने पढ़ाया नहीं है टॉपिक, लेकिन देखिए अदर इनकम जो 1300 करोड़ है, तो अदर इनकम इनको मिला है, तो इन्होंने कुछ एसेट बेचा होगा अपना, कुछ ना कुछ अपना माल इनको मिला होगा, वहां से पैसा, कोई मशीन बेच दिया होगा, कोई यूनिट बेचा होगा उन्होंने, तो उस जगह से इनको प्रॉफिट इतना सर्ज हो गया, देख रहे हो इसके वजह से। अदरवाइज हाँ, तो ये है, इसको अदर इनकम आ गया बिकॉज ऑफ दिस, ये अदरवाइज ये सही, अच्छा ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर बता दें, इसमें कुछ अलग ही हो, ऐसा कभी भी सडनली नहीं होता है कि 50 करोड़ से 800 करोड़ चला जाए कंपनी, नो नेवर एवर, आप सोचना भी कभी नहीं होगा जिंदगी में, इट्स नेवर पॉसिबल। आधा इनकम इन्होंने कुछ बेचा होगा, उनको पैसा मिल गया, इस चक्कर में ये प्रॉफिट है, तो इसको वी शुड इग्नोर दिस, वी शुड सिंपली इग्नोर, ये डेटा को लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो इस कंपनी से मेरे हिसाब से एक क्वार्टरली अर्निंग के बेसिस पे बिल्कुल बिग नो है। इसको मैं कंटिन्यू कर लूंगा, फिर मैं बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, तो आपने देखा, मैं हम लोग ऐसा डेटा पॉइंट बनाते हैं, तो एक थोड़ा सा और इजी करने के लिए, ताकि हम लोग को थोड़ा सा मतलब एक मॉडल पे चलेंगे, डेटा मॉडल पे। तो पहले हमने देखा कि एक एक करके हम लोग ऐसा लिखेंगे, आप लोग खुद ट्राई करना लिख के और प्रैक्टिस करना। ये प्रमोटर होल्डिंग था इसका, वकर्ड का कंपनी का नाम हमने लिखा था ज्यादा, हाँ वकर्ड, ठीक है। ये 72% है, ओके, ठीक है। प्लेस परसेंटेज है 18 है, तो वो भी हम ओके बोले कि हम लोग 20 से नीचे होना चाहिए, राइट। तो इसको हम लोग मतलब इसको ओके कर देता है हम लोग, ठीक है, 18 है, इसको बोलेगा ओके, क्योंकि नीचे से नीचे। क्वार्टरली रिजल्ट माइनस में है, हाँ रिजल्ट, तो हम लोग रिजल्ट लिख गया, हम लोग सिंपली लिख दें, डेटा ऑब्वियसली पर लिखना पड़ेगा, हम लिख देगा नोट ओके, राइट, नोट ओके, ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख चुका था, ठीक है। तो इस तीन बेसिस पे देखिए, तीन तो मतलब जो पैरामीटर्स है उसमें एक नो बोल रहा है इसको, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देना चाहिए। अब एक और पैरामीटर से हम लोग चार्ट देखेंगे, आपसे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहे तो कर सकता है, बल्कि सिंस हम लास्ट टाइम देख लिया, फिर देख लेते एक बार क्विकली शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ चलते हैं। तो ये प्रमोटर्स का पास तो अच्छा है, 72% बहुत बढ़िया, लेकिन DFII ने पैसा डाला नहीं है, मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 3% बेकार है एकदम, मुझे लगता है 10 से ऊपर होना चाहिए जो हम डिस्कस किया। DII ने कोई पैसा डाला ही नहीं है, इसका मतलब कि वो बेवकूफ तो है नहीं, DII वाले को डालना चाहिए था, उन्हें कुछ डाला ही नहीं, इसका मतलब उनको पता है कि कंपनी में काम नहीं हो रहा है, वो हट गए बिल्कुल, और सब पैसा पब्लिक के पास है, जो गलत है, नहीं होना चाहिए, 10% नीचे होना चाहिए, जो हम लोगों ने यहाँ पे
डेटा सीट ने बनाया है कि पब्लिक का एटलीस्ट लेस देन 10 होना चाहिए, प्रमोटर का सही है लेकिन वो बल्कि एफ आई का डी आई का लेस ग्रेटर देन 10, ये कोई भी पैरामीटर फुलफिल नहीं हो रहा है सच बोलूं तो। अब फिर भी हम लोग सिंस अभी देख रहे हैं इसको एनालिसिस कर रहे थे, हम चार्ट पे चल लेते हैं एक बार चार्ट पे कि चार्ट क्या बता रहा है इसका। बाकी फंडामेंटल पैरामीटर्स तो बिल्कुल बिग नो है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल पैरामीटर्स, जो डेटा हम लोग दिखता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल पैरामीटर्स, जो सामने दिखता है हम लोग को कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का उसमें नंबर्स में, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पैरामीटर्स, तो बिल्कुल खराब है। अब हम लोग चार्ट देख लेते हैं कि चार्ट क्या है भाई, वॉकेट का क्या, ऑब्वियसली खराब होगा, बिना देखे बता रहा हूँ खराब होगा मैं आपको, ठीक है। अब चार्ट पे आते हैं, चार्ट प्राइस पे ही कंपेयर उसी से चलता है ना, आप देखो इसका कहानी, आप खुद बताओ इसमें कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा, आप ये खुद देखो, इस बंदे ने यहाँ से देखो प्राइस अगर 2000 जो भी है इसका 2014 में इसका प्राइस था 2000 रुपीज, और आप देखो क्या 500। एक इसने पूछा ना कि ब्रेकआउट हम लोग को ऊपर से क्यों लेना चाहिए, देखिए ब्रेकआउट ये आया यहाँ तक, और कोई यहाँ ले लेता फंस जाता ना, ये जब तक पीछे का ब्रेक ना करे ना हम लोग लेना नहीं चाहिए, देखो फंस गया, देखो ये नहीं देखो देख रहे हो, अगर कोई अगर इसका ऊपर ही लेना चाहिए, लेना भी तो किसी को अगर ठीक है रेंज बड़ा हो जाएगा डोंट माइंड, लेकिन वो सेफ रहता है। देखिए उसने कोशिश किया था, वो बंदा सोचिए कि भाई ये तो अभी ले लेता हूँ और फंस जाएगा वो ब्रेकआउट दिया ने, तो ये देखिए स्टॉक ने कभी भी पैसा बना के नहीं देगा, उसको फंडामेंटल भी दिखा दिया और ये चार्ट भी बता दिया, जो चार्ट भी आपको देखो खुद देखो अभी पूरा डाउन ट्रेंड में है, देख रहे हो नीचे इस स्टॉक में, तो लेने का मेरे हिसाब से बिग नो है। और हम लोग ये कभी मत सोचे कि ना कोई कंपनी नीचे है तो कोई एकदम रातों रात को चमत्कार हो जाएगा, और वो रातों रात 500 का 400 हो जाएगा, 500 का 2000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, नहीं होगा वो 10 times 6 times 20 times नहीं होने वाला मल्टीवेगर, या बिल्कुल माइंड से निकाल देना। वो एक दो कंपनी होती है, उतना हम लकी नहीं है ट्रस्ट में कि हम लोग वो एक दो कंपनी फाइंड आउट कर पाए, तो बिल्कुल ऐसा रिस्क मेरे हिसाब से हम लोग जैसे लोगों को नहीं लेना चाहिए, तो इस कंपनी से बिग एग्जिट है। अब खुद टेक्निकल डेटा देख लो, जितने भी पार्टिसिपेंट है मुझे सब लोग लगता है बिग नो बोलेगा इस कंपनी को लेके, और प्लीज आग बंद कर इसको एग्जिट कर लो, ठीक है। तो ये डेटा पॉइंट था, यहाँ भी हम लोग एक और एक पैरामीटर एड कर लिया जो हम लोग को चार्ट है, इसको हम लिख देता है चार्ट, तो चार्ट इज, चार्ट ने भी बोल दिया नोट ओके, मतलब इस पैरामीटर पर एक मैथमेटिक्स मॉडल है जो हम लोग सॉल्व करता है, तो जिससे हम लोग आसानी होता है। रीजन आप लिखना चाहोगे तो खुद लिख सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड में है फॉर लॉन्ग टाइम, और इसमें रीजन आप लिखना चाहोगे तो मतलब इस तरह का करना अभी प्रैक्टिस, तो ये एक हैबिट बना लो अब तक, मैं ऐसे ही करता हूँ, इसमें लिख सकते हो कि नेगेटिव रिजल्ट है, ठीक है ना। अब ये खुद बताओ ये पूरा इंडिकेशन, मतलब टेक्निकल डेटा पे बात हो रहा है, हम लोग कोई हवा में तो बात नहीं कर रहा एकदम ऑन द स्पॉट। अब इसमें देखिए बिल्कुल भी इसको हम लोग को निकलने की राय होगी मेरे साथ विद सम टेक्निकल डेटा, सही है ना, एकदम क्लियर ना, एकदम चीजें एकदम क्लियर क्रिस्टल, कोई न्यूज भी से कोई मतलब नहीं है कि सर सीन बेसिन बाई करो बोला ये कौन बसिन वसिन कौन क्या बोल रहा है, रियली आई डोंट केयर राइट, हम लोग वाइस शुड बी बता रहे हैं कि भाई बसिन साहब ने क्या बोले सीन बेसिन में कौन सा अनिल सिग्मी ने क्या कहा, रियली डोंट केयर, मैं तो नहीं करता हूँ, ये डेटा पॉइंट आपको सामने दिख रहा है तो वी विल एग्जिट। इससे अगर कोई और कंपनी जो आप डिस्कस करना चाहे जो है, बाकी 9 लोग आप प्लीज पूछिए किसी को है, गौरव को या कोई और भी है डिस्कशन करना है, कोई भी स्टॉक बताए, मैडम बताइए, मैडम की आई थिंक मैंने मैंने एक स्टॉक ऐसे ब्रेकआउट पे लिया था और उसके बाद आई थिंक मैंने प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया था तो बहुत डाउन चला गया था। ठीक है कौन सा लिया था मैं उसको डिस्कस कर लेता, कौन सा आपने लिया था बताओ, एक वाइट लिया था 1045 पे, कौन सी कंपनी, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इंडिया, ग्रेफाइट इंडिया, ठीक है 1045 पे लिया था जब उसका ब्रेकआउट पॉइंट था, इसका ब्रेकआउट पॉइंट अगर देखा जाएगा मिनिमम जो ब्रेकआउट पॉइंट अगर देखा जाए तो ये मेरे हिसाब से 227 होना चाहिए, ये दूसरा होना चाहिए आपका 300-356 में लेना चाहिए आपको, तीसरा होना चाहिए था आपको 400-483, चौथा होना चाहिए मेरे हिसाब से लेना चाहिए था इधर 849 के बाद लेना चाहिए आपको, या आपका पांचवा होना चाहिए इसके बाद ब्रेकआउट पे लेना है, तो आपने 145 मुझे नहीं पता किस बेसिस हमने लिया, 145 पे कहीं ब्रेकआउट नहीं है इसका, नहीं एक्चुअली नहीं नहीं पहले पहले काफी साल पहले लिया था क्योंकि हाँ ये 145 सही लिया था 100 प्लस हाँ उस टाइम, लेकिन उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हुआ ना तो स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया मैंने, तो मैं बताया अगर यहाँ पे था अगर वीकली पे यहाँ पे लगा देते आप ये 622 पे निकल जाना था बिल्कुल बिल्कुल निकल जाना था आपको इधर, अगर आपने ऊपर गया तो निकल जाना, जो भी इसका लो यहाँ निकल जाना था आपको यहाँ निकल जाना, इस पे निकलने का देखिए कहानी खराब होता क्या, नीचे कोई ट्रेंड में आगे डाउन ट्रेंड में ट्रस्ट में अगर नीचे आगे कोई स्टॉक ना वो लंबा समय फंस जाता है ट्रैप, बहुत लंबा समय उसको निकलने में ना आपको 6 महीना साल भर 2 साल पैसा बर्बाद हो जाएगा, बहुत कंपनी और कोई कंपनी है प्लीज कोई बताओ, वो निशा है क्या, निशा थी ना, निशा पूछा आपको कोई है कंपनी अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछे ना,
मेरा क्वेश्चन है कि एक टर्म है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मार्केट ऑपरेटर। तो ये मार्केट ऑपरेटर मतलब ये किसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि और नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, और सेकंड क्वेश्चन इज कि कभी कभी ऐसा होता है कि पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा रैली होती है लेकिन एक दो शेयर्स होते हैं हमें एक्सपेक्टेड होता है कि ये चलेंगे, उसमें न्यूज भी होती है और मतलब लेकिन वो नहीं चलता, तो उसका रीजन क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अभी बेस्ट एग्जांपल मैं सेकंड का सवाल पहले देना चाहूंगा, सेकंड क्वेश्चन के कि क्यों नहीं चलता है कोई सेक्टर में। तो ठीक है, तो पहला सेक्टर में आपको जो एग्जांपल खुद मिल जाएगा वकार्ड फार्मा, जो अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। फार्मा कंपनी में सब चल रहा है, सब स्टॉक लगभग चला है इस बार, बायोकन से लेकर आप जितना नाम सुना होगा आपने, लगभग टोरेंट फार्मा से लेकर जो भी कंपनी आपने अच्छी सुनी होगी, लगभग सब चला है, लगभग सब के सब, लेकिन वकार्ड फार्मा नहीं चला। इसका आंसर आपको यहां मिल गया होगा, राइट? वकार्ड फार्मा नहीं, नेगेटिव रिजल्ट्स, ये बहुत ज्यादा रिजल्ट है, इसका चार्ट अच्छा नहीं है, रिजल्ट खराब है, प्रमोटर होल्डिंग में एफआईआई का। कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर्स में बाइंग वॉल्यूम भी ज्यादा होती है, रिजल्ट भी अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव सोचकर ही हम उसमें एंट्री करते हैं, लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़ता नहीं, जबकि पूरे सेक्टर में रैली होती है। नहीं, तो वही तो कह रहा हूँ, अगर उसमें अगर रैली में अच्छा होगा तो मैं गारंटी बोलूंगा चलेगा ही चलेगा, वो हो ही नहीं सकता नहीं चलेगा, उसका आज ना कल चलना ही होगा, बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर वो कंपनी में जैसे डेटा पॉइंट्स हम लोग जाएंगे और डेटा पॉइंट सपोर्ट कर रहा होगा उसको, तो बिल्कुल चलेगा, ऐसा नहीं होता है रिजल्ट अच्छा ना चले, कोई नहीं सकता ये चीज, मैं आपको बता रहा हूँ आपको। न्यूज आप छोड़ दो, वॉल्यूम भी आप छोड़ दो, अगर वो डेटा पॉइंट सपोर्ट कर दिया आपको, वो बिल्कुल हो जाएगा। आपको कंपनी बता, मुझे लगता है जो हम लोग देखेंगे उसमें एनालिसिस करते हैं, बताओ कोई कंपनी है तो मैं भी सोच के बताती हूँ। ठीक है, आप सोचना, तब पहले मैं मार्केट ऑपरेटर बताता हूँ। मार्केट ऑपरेटर्स हाँ। क्या होता है, बस जब मार्केट में जब शेयर्स का बाइंग सेलिंग होता है, तो होता है क्या ना, जब शेयर्स ऊपर जा रहा है तो कोई कोई लोग ना शेयर्स का प्राइस को बढ़ा देता है। तो बढ़ा कैसे होता है, मान लो कोई अच्छा स्टॉक्स है और उसको प्राइस को अगर बढ़ाना है किसी को, तो मार्केट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो नॉर्मली मार्केट ऑपरेटर्स अगर मुझसे पूछा तो उसको बोलता हूँ FII को बोलता हूँ मैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो क्या करते हैं ना, उनको ना नॉलेज होता है कंपनी का, वो उनको पता होता है कि कंपनी में कैसा डेटा बनने वाला है, कौन कंपनी कैसा, क्योंकि उन लोग कंपनी के डायरेक्टर्स से बैठ कर डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्लानिंग किया है कैसा परफॉर्म करा है, कंपनी को पता होता है, वो पोजीशन बना लेते हैं, वो बाय करते रहते हैं, बाय करते हैं, स्टॉक का प्राइस बढ़ा देते हैं, उसको मार्केट ऑपरेटर्स बोलते हैं बेसिकली, जो मार्केट को ड्राइव करता है पर्टिकुलर। अगर निफ्टी है मान लो 50 चल रहा है, तो ड्राइव करने वाला कौन है, आप देखोगे ना FII होता है, DII होता है, तो मैं उसका डेटा आज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता चलता है वो। अब यहाँ चलते हैं हम लोग, आज चलते हैं यहाँ पे, आप जाओगे तो पता चलेगा कैसे FII और DII आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको जाना है FII और DII एक्टिविटी, यहाँ पे आप गए, ठीक है, आप यहाँ पे जाने के बाद आप CM पे जाओ, उसको बोलता है कैश मैनेजमेंट, जो भी कैश फ्लो, आई थिंक कैश मार्केट, हाँ कैश मार्केट डेटा, ठीक है। जब 25 जून को क्या हुआ, FII ने 6678 करोड़ का माल उन्होंने बेचा, ध्यान सुनना आप, और जून 24 को जो थर्सडे था उन्होंने 3000 करोड़ का माल बेचा, और जून 23 को इन्होंने इतना करोड़ का माल बेचा, मतलब खरीदा। अब ये शेयर्स किसमें खरीदा वो हम लोग पता नहीं चलता, जनरली उन्होंने खरीदा मतलब शेयर्स में जाके इन्होंने किसी ने किसी कंपनी में इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इतना पैसा निकाला, इसे वो कोई भी कंपनी हो सकती है, ABCD पूरा मार्केट से। तो इससे आपको FII का डेटा से इंडिकेशन मिलेगा चल के, आप कैसे चेक करोगे, आप जैसे आप इन्होंने बेचा खरीदा बेचा, ठीक है। अब DII का चलते हैं, DII ने क्या किया, 3 दिन में DII ने 25 को खरीदा, 24 को भी खरीदा और 1800 करोड़ का खरीदा। फिर DII का मतलब वही म्यूचुअल फंड्स, HDFC बैंक, LIC, ये सब DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं उन्होंने शेयर्स, हाँ जितने पेंशन फंड हो गए वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के, मतलब डोमेस्टिक होते हैं, इंडिया के होते हैं अंदर के, तो उन लोगों ने स्टॉक खरीदा होगा, तो उसका अमाउंट आप देखोगे ना कुछ इतना अमाउंट आता है, इतना डेटा ये डेटा पब्लिश करता है हम लोग हमेशा, जून में इतना खरीदा और जून 22 को, तो हर दिन का डेटा हो गया, ठीक है, ये दिन का हो गया, ये हो गया आपका इसका FII का। अब क्या करना, मंथली अब जाओ, मंथली डेटा के मंथली में क्या हो रहा है, अब खुद देखना मार्केट रैली कब से हुई थी, आपको याद है जो मार्केट के मेन रैली शुरू हुई थी, नवंबर से हुई थी, नवंबर अक्टूबर से, मानते हो आप, देखो FII जो FII जो होता है, जो मैंने फॉरेन इन्वेस्टर्स तो वो लोग ऑपरेटर्स इसलिए मैं बोलता हूँ, लेकिन नवंबर में उन्होंने 65,000 करोड़ का इक्विटी का स्टॉक्स खरीदा, मतलब कितना बड़ा डेटा कंपेरिजन देखो पीछे से, इन्होंने यहां से मार्केट में नवंबर से कंटिन्यूअसली इनकी बाइंग चल रही है, तब देखो नवंबर से कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जा रहा है, अप टू नवंबर देखो, दिसंबर देखो,
जनवरी देखो नेट जो बाइंग है होती इस महीना में उन्होंने मतलब नवंबर में इतना बाई किया पूरा, दिसंबर में इतना बाई किया, जनवरी में इतना बाई किया, और फिर नेट पर डे का नहीं पर मंथ का डेटा देखो। अब जब इन लोग बाई करता है तो आप देखना निफ्टी और स्टॉक्स में बिल्कुल रैली रहेगी, कि मेरा एक्सपीरियंस है। अगर अगर आपने ये डेटा देख लिया होता नवंबर का कि इतना बाई हुआ, तो आपको दिसंबर में बड़ा बड़ा पोजीशन बनाकर बैठ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा बाइंग रिलेटिव, ऑब्वियसली रिलेटिव बाइंग, देखो पीछे देखो अब इसको इसमें देखो, मार्च में लोग निकल गए थे इतना बड़ा, मार्च में जब कोविड हुआ था, लेकिन वो लोग फिर से आया, धीरे धीरे आया, क्योंकि मेन उनको ट्रस्ट कब हुआ कि मार्केट रियली ऊपर चली गई, तो उनको आया नवंबर में, उनको नवंबर में लग गया है कि मार्केट में रियली अब जो ऊपर जा रहा है ये रियल, ये गिरेगा नहीं, अब उनको मालूम चल गया था FII को, वो दे आर रियली वेरी स्मार्ट पीपल, उन्होंने नवंबर से अपना इन्वेस्टमेंट बहुत जोड़ों पे लगा दिया, वो मार्केट को बेसिकली उसको ड्राइव, उसको हम लोग ऑपरेटर्स भी बोलते हैं जो ड्राइव करते हैं मार्केट को। तो हम लोग का पैसा तो ना, हम लोग का 10 शेयर 100 शेयर तो ना कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है या घटता है, नहीं, शेयर प्राइस बल्क में जब वॉल्यूम आती है तभी बढ़ता है, और वो कौन करता है, ये लोग। सर, ये क्या पर्टिकुलर स्टॉक ओपन करके हम ये चेक नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है? नहीं, इसके लिए तो देखिए डायरेक्ट तो नहीं पता चल सकता है, मतलब कि मतलब इस दिन में कौन सा किया है, लेकिन हाँ एक चीज हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जो मैं लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे डील्स होता है, तब डील्स में जाके ना आप देख सकते हो पर्टिकुलर की ना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट, हाँ ये बल्क डील में जाके या बल्क ब्लॉक डील दोनों में जाके कि कौन सा किसमें कौन कौन पैसा लगा। बल्क डील में आप फॉर एग्जाम्पल जा रहे हो, देखिए अवकस एमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड, ये कहाँ का फंड इसका पढ़ना, नाम से लग रहा है ये बाहर का फंड है, तो इसको मैं FII बोलूंगा, मान के चल रहा है कि ये US का फंड है। फॉर एग्जांपल इन्होंने बाय किया बॉट DCM श्रीराम का फंड है, कहाँ का, सॉरी कहाँ का, इंडिया का है क्या? हेलो, किसी ने कुछ कहा, मुझे पता नहीं, इसका मैंने देखा नहीं कहाँ का, सॉरी। हेलो, अच्छा आवाज कट रही है, तो मान के चल रहा है किसका फंड है, अबेकस के बारे में बता रहा था किसका फंड है, ये कहाँ का है, ये PMS फंड है बेसिकली, मेरे ख्याल में सौरभ मुखर्जी का फंड है, ठीक है ठीक है, इंडिया का है ना, तो हम ऐसे करते हैं FII का चलते हैं, FII का चलते हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है, I'm really, नहीं पता मुझे कि किसका है ये, तो कि मैं देखो, मैं मान एज्यूम कर रहा है, हम लोग कोई बाहर का फंड पकड़ते हैं, बाहर का फंड भी मिलेगा, बहुत ज्यादा कंपनी जो बाहर की होती है जो बाहर का फंड लगाता है, मैं देखा जिसका नाम मुझे पता है, एक्चुअली ऐसे काफी कंपनीज है, जैसे मैं आपको बाहर का दिखाऊंगा कंपनी के नाम से, जैसे ये है P5 एशिया होल्डिंग इन्वेस्टमेंट फंड, ये कोई कंपनी है मतलब मॉरिशस की, उन्होंने UFO मूवीज पे इन्होंने अपना शेयर्स बेच दिया है 92 रुपीज पे, ये मतलब आपका इसका, तो ये FII है बेसिकली। अब देखो हेनिकिन कंपनी, हमने सुना हुआ यूवी हेनिकिन जो बाहर किया है, नेदरलैंड की कंपनी है ये, तो बीबी लिखा तो नेदरलैंड की होती है, तो नेदरलैंड की कंपनी हेनिकिन ने यूनाइटेड ब्रिवरीज पे इतना शेयर्स इन्होंने खरीदा, बाहरी कंपनी है, तो इससे आपको दिख जाता है कि FII क्या कर रहा है एक्टिविटी, इसमें FII DIA लोकल इंडियन सबके डेटा आता है इसमें, कौन किसने क्या कर दिया, आप देखोगे ना बाहर का, तो मुझे कोई नाम दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो उसको, गूगल पे आप चेक करो कि भाई ये कौन सा कंपनी है। ये जितने भी बाहर की कंपनीज होती है और इंडिया के जितने भी बड़े बड़े DIIs होते हैं, तो अगर ये किसी कंपनी में एंट्री करते हैं तो एज अ स्मॉल इन्वेस्टर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। तो, हाँ, तो इसके लिए पता है मैं एक तरीका मैं बताऊं क्या करना है, ऐसा करना हो तो आप इसमें जाना है, जैसे ना ये हम लोग को जाना है, जैसे इन्वेस्टर्स हो गया, इन्वेस्टर सॉरी बिजनेस हाउसेस में जाते हैं, नहीं बिजनेस हाउसेस ने हम लोग को जाना है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर पोर्टफोलियो पे, ठीक है, ये तो हो गया आपके इंडिविजुअल, इसमें चलते हैं इंस्टीट्यूशनल पे, तो इंस्टीट्यूशनल पे ये इंडिकेट कर रहा है आपका इंस्टीट्यूशन का बाहर का, जैसे ओपन हैवन में, तो ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड है, राइट, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, अभी लॉग इन नहीं किया मैंने, मान लो इसको फॉर एग्जाम्पल लॉग इन करके दिखाता हूँ, उस पर लॉग इन होगी मेरी दूसरी वाली वेब पेज पे। सर जो अपन लोड मार्केट लगाते हैं वो कौन से ऑपरेटर होते हैं? एक मिनट रुकिए, मैं उस पर एक मैडम को पहले देता हूँ, फिर आऊंगा आपको, एक मिनट रुक जाइए, फिर इसको दिखा देता हूँ जो मैं डिस्कस कर रहा था। तो इसमें चलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे, इंस्टीट्यूशनल पे, मतलब ये FIA वाला है, इसको FIA बोलते हैं हम लोग, तो FIA का मतलब फॉर एग्जांपल ये है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड, यहाँ पे अपने गए, ये कंपनी का नाम, इट इज वन ऑफ द मोस्ट नोन वेल नोन एंड रेपुटेबल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक, द फंड इज हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क USA, इट इज ए ग्लोबल एसेट मैनेजर एंड मैनेज अ बिलियन डॉलर ऑफ एसेट ग्लोबली अलोंग विद इट्स सब्सिडियरी। सही है, ये नाम इंडिकेट कर रहा है खुद ही कि मैं बाहर का हूँ, और ये इसको ही हम लोग बोलते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये जो एक्शंस लेते हैं इस पे हम लोग अपने को नजर रखना चाहिए कर क्या रहे हैं, तो इनको जाने के लिए हमको जाना है शेयर होल्डिंग्स पे, तो मतलब कहाँ पे इन्होंने अपना शेयर्स लिया हुआ था, इनका कंपनी ये सब है, जी इंटरटेनमेंट ओवर है, ऐसा नहीं कि इन्होंने ये नाम ले लिया तो हम लोग जाके खरीद लेंगे, बिल्कुल नहीं, हम लोग क्या करना है
इन सब कंपनी के बारे में स्टडी करना है, मतलब इसको देखने के बाद हम लोग जो नॉर्मल स्टडी करा था राइट, अब ऐसे करके जो हम लोग आपको दिखाया कि प्रमोटर होल्डिंग क्या है, प्लेस परसेंटेज क्या है, क्वार्टरली क्या है, चार्ट क्या है, ये सब देखेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि इन्होंने लिया तो हम लोग भी ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वी विल गो देयर एंड स्टडी कि उनको क्या में इंटरेस्ट आ रहा है, क्या बात है उस कंपनी में। ये हम लोग एक ट्रिगर पॉइंट देता है, स्टडी पॉइंट देता है बेसिकली राइट। जैसे इन्होंने अपोलो में लगाया है, okay. देखो अपोलो हॉस्पिटल, तो अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देख लेते हैं क्या है भाई, इन्होंने लिया है तो कुछ बात होगा, लेट्स सी कि उसमें कुछ अच्छा है कि खराब है। तो अपोलो का देख लेते हैं चार्ट, फ्राइडे को 6-7% भागा था, देखते हैं हम लोग चार्ट पे पता चल जाए क्या है। तो देखिए इन्होंने बहुत सही कंपनी में पैसा लगाया राइट, देखो इनको बहुत पैसा बना के दिया okay. तो ये हम लोग अब जिसमें पैसा बना के दिया है हम लोग उस कंपनी में इंटरेस्ट रहेंगे। अभी इन्होंने जी भी लिया हुआ है, जी अगर आप देखोगे इन्होंने आई थिंक कहाँ गया, जी एंटरटेनमेंट, हाँ इन्होंने जी एंटरटेनमेंट में लिया ना, तो हम लोग देखते हैं जी, तो हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका बेसिस पे एक्शन नहीं लेना है कभी, हम लोग सिर्फ देखना है। अब बताओ जी पे हम लोग पैसा लगाएगा, बिल्कुल नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि ये तो अच्छा स्टैंड नहीं लग रहा है, इसका तो प्राइस बढ़ नहीं रहा है, तो हम लोग ऐसा शेयर से दूर रहेगा। तो हम लोग उनका शेयर्स को स्टडी करना है, लेकिन डिसीजन हम लोग खुद लेना है कि कौन सा शेयर अच्छा है विद द डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट्स अपने बेसिकली हम उधर से चूज कर सकते हैं, उसके बाद में अपना स्टडी करके तब इन्वेस्टमेंट करना है। यस, तो उन्होंने लिया तो कुछ लॉजिक होता, ऑब्वियस बात है, हम लोग स्टडी करेंगे फिर लेंगे। अपोलो पे लेंगे, हॉस्पिटल पे, लेकिन जी एंटरटेनमेंट लेंगे। तो डेटा पॉइंट्स अपने पास चार आ गया अभी, प्रमोटर होल्डिंग्स, प्लेस परसेंटेज, क्वार्टरली रिजल्ट और चार्ट। ये चार्ट चीज पे बेसिस पे हम लोग अपना स्टॉक पे डिसीजन लेगा। एक क्वेश्चन पूछ रहा था किसी ने, बताना सर, कोई पूछ रहा था मुझसे आप, एक अपोलो का है जिसे इतना चल गया है तो स्टिल वैल्यू करता है लेने के लिए इस पॉइंट पे? हम बिल्कुल लेना चाहिए, जब ऐसा स्टॉक होना तो बिल्कुल, मेरे हिसाब से मैं तो बिल्कुल इसको लेने के लिए, बल्कि मैं लेने का सोच रहा था, नया स्मॉल कैप बनाऊंगा तो मैं दूंगा इसको बिल्कुल, ये अच्छा स्टॉक है। इसका स्टॉप लॉस क्या लगा आपको मैंने बताया हुआ है, स्टॉप लॉस हमारे सर ये आपसे 2-3 पहले वाले उसमें था बिल्कुल, भागता रहेगा। अब इसको होल्ड करते ना कब तक, जब तक ये नीचे का वीकली स्टॉप लॉस नहीं हिट होता आप लेके पड़े रहो, अगर वो टूट के आ गया तो हम लोग निकल जाएंगे। वी रियली डोंट केयर वो नीचे जाए या वापस आए, हम लोग एक रूल बनाना पड़ेगा, डिफाइन रूल राइट, उसने कुछ रूल डिफाइन करना पड़ेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो जल्दी टूटता, देखो जैसे ये लो है, अब देखना पीछे का लो टूटा ये नहीं टूटा ना, देखो ये लो टूटा ब्रेक नहीं हुआ, ये पीछे का लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ, ये पीछे का लो ब्रेक टूटा ना, यहाँ पे टूटा था कौन सा, ये वाली, ये वाले हाँ हाँ, तो ये वाली फिर हम एग्जिट कर जाएंगे, खत्म खाने, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल एग्जिट फ्रॉम दैट, और वो पास चला जाए, वी रियली डोंट केयर, वी रियली डोंट केयर। हम लोग रूल बनाना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक तो नीचे हो सकता है, लेकिन आप देखो नॉर्मली देखो ये है, नेट ब्रेक हुआ इसमें, हुआ नहीं ब्रेक हुआ इसमें, हुआ नहीं ब्रेक हुआ इसमें, हुआ नहीं, इसमें देखा थोड़ा सा हुआ है, तो हम लोग एक मार्जिन अगर ज्यादा है तो 2-3% वेट कर लेंगे, अगर ज्यादा गैप नहीं है मान लो आपका, ऑब्वियसली हम लोग फ्लेक्स रूल बनाया उसको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रहता है, ऐसा नहीं कि हम लोग फिक्स रूल हो गया, अगर किसी ने रूल बनाया किसी कंपनी ने 9-5, ऐसा नहीं कि 9-5 ही जॉब करना है, 9-2 कभी 8 हो जाता है कभी जल्दी हो जाता है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम लोग थोड़ा सा 2-3% लिवरेज दे सकता है, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं थोड़ा देर तो रुक जाता है। ऐसा कोई पॉइंटर नहीं है जैसे कोई बहुत भाग गया है तो हमें आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, नहीं अभी इसको नहीं बाय करना चाहिए, नहीं अभी तो मेरे साथ अभी तो हाँ, इसका इंडिकेशन कब मिलेगा, वो इंडिकेशन वही है जब अगर वो पीछे का लो आने लग जाए, मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी जो इंडिकेशन दे रहा है आपको, मैं इंडिकेशन देता हूँ कौन सी कंपनी है जो ना टूट रही है, मैं बता रहा हूँ आपको कंपनी को है, आपको लग रहा है जो आपको जो स्टॉक बीच में गिरा है आपको बताना, जब मुझे याद नहीं आ रहा कोई कंपनी जो ना जिसका वो नीचे चलने को तैयार हो गया, आई थिंक कौन सा कंपनी में देखा था, भारतीय देख सकते हैं, भारतीय मिसेस बैक्टर आई थिंक, कौन सा बैक्टर जो अभी आईपीओ आया था ना, मिसेस बैक्टर, बैक्टर के मिसेस बैक्टर के उसका जिसका डेटा नहीं होगा ना, उसका डेटा आईपीओ तक कम डेटा, उसका डेटा नहीं होगा जिसका डेटा होगा अभी, हाँ अभी देखिए भारतीय एयरटेल सही बोल रहा है, तो एयरटेल भारतीय एयरटेल को हम निकलेगा नहीं, क्योंकि बताया इसका लो ये है अभी देख रहे हो आप, तो हम लोग 520 तक पड़े रहेंगे आराम से, बिल्कुल रहेंगे, टेंशन नहीं है अभी आपको, मैंने एक अब मैंने एक रूल बना लिया हम लोग, अभी मैं एक्सपीरियंस से बनाया, वो टूटता नहीं, आप देखो ना ये गिरा नहीं, देखो कितने बार हुआ लेकिन गिरा नहीं 520, आप देख रहे हो, तो 520 तक हम लोग बैठ के रहेंगे, मैंने एक्सपीरियंस से बताऊं, ये हवा में रूल नहीं है, विद सम डिफरेंट लॉजिक जो हम लोग जब पढ़ेंगे, चार्ट देख कर भारती का भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या करना चाहिए, नहीं मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आप खुद बोले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इतना जिगजैग है ना, 600 बोला था आपने, आपने इसका बताया था कि जब 600 क्रॉस करेगा तब लेना है, इसका लॉजिक मैंने बताया ना, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो निकलेगा ना ऊपर, सब टोटल के निकले तो तब लेंगे ऊपर करके, अभी क्यों लेना, अभी नहीं लेना चाहिए मेरा, क्योंकि इसका चार्ट जिगजैग है ना, अभी देखे ना लोगों का, अभी मार्केट ऊपर है तो हम लोग पैसा कमाने का टाइम है, तो बी शुड इन्वेस्ट इन सच ए कंपनी हु रियली गिव्स द मनी टू यू, अभी इस टाइम को अपने वेस्ट कर दिया ना तो आप बहुत रोगे पछता होगा, क्योंकि मार्केट अभी बुल मार्केट चल रहा है, तो हम लोग ऐसे कंपनी में जो पैसा बना रहा है ये टाइम पास कर रहा है, देख रहे हो आप ये टाइम पर बर्बाद कर दिया ना, तो अभी जो मैं लोगों भी कहा था कि मैं तो अपना बिलीव नहीं करूंगा, मैं जितना अर्निंग करता हूँ मैं 95% मनी मैं मार्केट में अभी
सिर्फ 5% जो मेरे पास अपना सेविंग्स में रखा बस अपने यूज के लिए, 95% आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द अमाउंट, लेकिन 95% मैंने पैसा मार्केट में डाला हुआ पूरा का पूरा, क्योंकि अभी बुल मार्केट है, अभी आप जो कमा लोगे कमा लोगे, उसके बाद फिर मार्केट गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है, फिर वो नहीं कमा पाओगे। संजीत इसी पर मेरा एक सवाल है। यस संजीत, हां जी, कैन यू हियर मी? हां यस आई एम हियर यू, प्लीज गो अहेड। इसी पे मेरा एक सवाल है कि जैसा आप कह रहे हो ये बुल मार्केट है राइट, एंड हर तरफ हम सुन रहे हैं कैपेक्स हो रहा है बेसिकली मर्जर्स एक्विजिशंस और कैपेक्स, तो हमें नहीं लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें कैपेक्स वाली थीम पर ढूंढना चाहिए बेसिकली अपने अगले स्टॉक्स को, अपलोड कर लेना चाहिए जो मतलब 10 लाख का पोर्टफोलियो था, 5% 5 लाख तो कर ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब मुझे पर्सनली बोला जाता है कि मार्केट का तो कोई, मैं तो इंडिविजुअल चलाता नहीं राइट, वो सब लोग होते हैं उसमें, तो प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल, लेकिन जो मेरा एनालिसिस कहता है कि होगा, उसका रीजन मैं आपको बता दिया लॉजिक ना, क्योंकि इतना भाग गया निफ्टी तो कभी ना कभी कूल डाउन होगा, अभी नहीं गिरने को संकेत, निफ्टी का चार्ट देखते हैं, किसी ने मुझे बोला नहीं कि निफ्टी में क्या अभी तक, ये तो मैं उम्मीद कर रहा था कि निफ्टी में क्या होगा, ये किसी ने पूछा निफ्टी की क्या कहानी है, सही बात है, निफ्टी 50 क्या चल रहा है, ठीक है आप देखो इसको, ठीक है इस पर चलते हैं हम लोग, ये निफ्टी 50 आप मुझे खुद बताओ इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, आप खुद बताओ, कोई बताना चाहेगा इसका स्टॉप लॉस क्या होगा निफ्टी का, ऊपर है ना ये वाला पॉइंट होगा राइट, नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये तो बहुत नीचे है, नहीं ये होगा, देखिए ना ये क्योंकि इतना स्विंग ज्यादा दूर नहीं है ना, 700 तक बहुत कम है ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा स्विंग का डिफरेंस तो रखना ही पड़ेगा आपको, तो मतलब ये थोड़ा मतलब ये नंबर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ट्विन, इट्स नॉट लाइक दिस, इसका जो होगा हम लोग इसको हम लोग मानेंगे कि ये मतलब ये निफ्टी उसमें चला गया कब, जब ये 14,351 आएगा, इसका मतलब समझ लो कि आप निफ्टी चला गया टाइम पास जोन में, अब ये नीचे रहेगा या अब खत्म, 6 महीना साल भर के लिए मार्केट अब मतलब एक चला गया एक अपना ही दुनिया में, आपका पैसा नहीं बनेगा, 14,000 बोल रहे हैं, 14,300 जो दिख रहा है आपको ग्रीन करके, 14,350 ठीक है ना, क्लियर है ना ये पॉइंट आपको, तो अभी हम लोग इसी को क्यों ले रहे हैं 14,000 क्यों ले, ऊपर वाला क्यों ले रहे हैं, कौन सा वो ये वाले ऊपर भी तो है, नहीं नहीं उसके नीचे एक जस्ट है ना दो तीन ये वाले, हाँ ये वाली क्यों नहीं ले रहे हैं, हाँ गुड, तो क्योंकि अभी देखिए लेटेस्ट लो जो बना था ना ये बना था राइट, तो ये लेकिन ये तो अप ट्रेंड वाला बन रहा है, इसका छोटा है देखो ना, मेजर बन रहा है ना ये देखो, आज देखा सच बोलो तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप सही बोले ये भी आप रख सकते हो, ये पॉइंट भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक मतलब एक लॉन्ग टर्म व्यू से चल रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू मतलब कि हम लोग अब इन्वेस्ट नहीं करना, निकल जाना है बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब लिवरेज रखना पड़ेगा हम लोग, लिवरेज सही बोला, आप इस पॉइंट को ले सकते हो मना नहीं कर, लेकिन हम लोग उससे भी लो सबसे लो एकदम सेफर साइड चला गया कि अगर इसको टूट के निकल गया भाई हम लोग को निकलना है, वी डोंट केयर रियली, वो मार्केट ऊपर चला जाए फिर नीचे भी रियली डोंट केयर, हम निकल जाएंगे बिल्कुल उस टाइम, बिल्कुल निकल जाएगा, तो इस पॉइंट को हम 14,300 तोड़ेगा तो कितना एक्सपेक्टेड है, मतलब उसके बाद फिर मतलब जब नीचे जाता है ना स्टॉक तक पे एक साथ कभी गिरता नहीं, वो थोड़ा टाइम पास करे, नीचे आएगा फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो एक रेंज में चला जाएगा, मतलब वो कभी ऐसा नहीं कि स्टॉक एक दिन में गिरा, आपने देखो ना किसी ने कहा ग्रेफाइट इंडिया में 2 साल टका हुआ है फंसा हुआ था, तो ऐसे रहेगा फिर वो, मतलब एक अच्छा खासा समय आपका 6 महीना साल भर चला जाएगा ये पक्का है, तो हम लोग को निकल जाना चाहिए, वो पैसा फंस जाएगा क्या फायदा है उसको, ये वीकली लो है क्या, हाँ वीकली लो, यस वीकली लो, वीकली लो, यस वीकली लो पे निकल जाना आपको, तो ये निफ्टी पे अभी हम लोग बिल्कुल भी निकलने का नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग लॉन्ग कर रहेंगे, इसमें कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि मार्केट गिरेगा, इसलिए खुद से एजम्पशन ना करें कि मार्केट बहुत बढ़ गया है हम लोग निकल जाना है, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, अब एकदम पोजीशन बना के रखिए और टाइट पोजीशन बनाइए, 95% मैंने कैपिटल का पूरा सेल सब कुछ लगाया मेरा 95%, तो उसको मैं एग्जिट करूंगा ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बाद में अभी मार्केट में पैसा बनाने का टाइम है, ठीक है, और जो ऑपरेटर्स में ये जो होते हैं ना जैसे जिसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट ये कौन से ऑपरेटर होते हैं जो उनको अपर बना देते हैं और लोअर बना देते हैं, हाँ ये वैसा सवाल है, एक्चुअली वो क्या एक तो मैं FIA बताया, FIA जो होते हैं अच्छे ऑपरेटर्स होते हैं, अच्छे मतलब वो एक लॉजिकली प्रोफेशनली वे में स्टॉक को बढ़ाते हैं, मतलब कंपनी बढ़ रही है अच्छा परफॉर्म कर रही है तभी जाएगा, से अपोलो हॉस्पिटल वो रियली परफॉर्म कर रही है, इंजेक्शन दे रही है, कोविड वैक्सीन दे रही है, उनका हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहा है, पैसा कमा रहा है, तो वो अच्छे से स्टॉक को पैसा बढ़ाया और बढ़ा रहा है, वो ऑपरेटर FIA वो गुड ऑपरेटर्स है, उसने कोई धांधली नहीं किया, फ्रॉड नहीं किया, लॉजिकल तरीका से पैसा बढ़ा रहा है शेयर्स का, क्योंकि कंपनी भी काम कर रही है, रिजल्ट भी अच्छा है, तभी शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं फ्रॉडेंट पीपुल जो मार्केट में मुंबई में बैंगलोर में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं पर्टिकुलर स्टॉक को ना अचानक से 20% ले जाएगा और
20% गिरा देगा, उसको बोलते हैं हम लोग करप्ट ऑपरेटर्स। मार्केट ऑपरेटर नहीं, करप्ट होते हैं। वो कौन होते हैं? एक फ्रॉड लोग होते हैं जो पर्टिकुलर स्टॉक्स को अचानक से ऊपर बढ़ा देते हैं, घटाते हैं। लेकिन एक तरह रखना, वो सिर्फ वो ऐसा काम स्मॉल कैप कंपनी पे कर सकते हैं, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं उसमें कम होते हैं, इसलिए वो 20% ऊपर चला जाता है और 20% नीचे। वो मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी में ये कांड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए शेयर चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो देखना, जो भी करेगा छोटे कंपनी में होगा एकदम, 20% 30% वाला जो फ्रॉडेंट होगा वो बड़ी कंपनी में नहीं कर सकते उन लोग। तो वो लोग छोटे कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी आपने बनाया फॉर एग्जांपल, ठीक, गौरव ने कंपनी बनाई, वो पानी बेचता है, मान लो उसमें जूस वाला वाटर है, वो जूस बेच रहा है वो। अब गौरव को लग रहा है कि भाई मेरा कंपनी अच्छा करे, इसको शेयर प्राइस बनाओ और फेयर प्राइस बेच के मैं कंपनी बेच के प्रमोटर अपना मालिक बेच के मैं मार्केट से और निकल जाऊंगा पैसा। तो अपने क्या क्या, गौरव गया एक बंदे के पास, वैभव के पास। वैभव को बोला यार तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम ऐसा करो मैं कंपनी में ना 20 करोड़ का पैसा मार्केट में, एनएससी जो खुलेगा मार्केट 9-15 को, तुम आओ और 20 करोड़ का शेयर खरीद लो। जैसे 20 करोड़ शेयर का, शेयर का प्राइस बढ़ने लगेगा, उसको देख के पब्लिक भी घुस जाएगी और शेयर का प्राइस 100 रुपए से 150-200 तक हो जाएगा देख देख के लोग, क्योंकि 20% घुसता है तो पब्लिक घुस जाती है। जैसे 100 से 200 हुआ डबल प्राइस। तो जो गौरव ने बोला है वैभव को प्राइस बढ़ाने का, खुद गौरव अपना प्रमोटर्स माल बेच के निकल जाएगा वो। तो एक तरह का फ्रॉड रन चलता है उस तरह का केस, तो वो होती है नॉर्मली स्मॉल कैप कंपनी में, जो 0 से 500 करोड़ में, जो स्मॉल कैप कंपनी होती है जो उसमें होता है, जो एकदम छोटी करोड़ 500 करोड़ की हो, तो ऐसा कंपनी से बहुत दूर रहना है। तो उसके लिए हम लोग सिंपली मार्केट कैप देख लेना, कोई कंपनी बताओ जिसमें ऐसा कांड हुआ आपने देखा गया, कोई बताओ, कोई नाम आपको सुन रहा है? रिलायंस पावर है अभी, मेरे दोस्त ने 8 रुपए में लिया था, वो 18 तक चले गया, अब लोड सर्किट लगने लग गया उसमें। तो उससे दूरी रहना है सब कंपनी से, तो छोटी कंपनी से मेरे ऐसा उसमें फ्रॉड रेंट होता है सब कंपनी में, तो सब चीज से दूर रहना चाहिए, ठीक है। मैंने भी एक लिया था एक्चुअली, टाटा टेली सर्विसेज, वो मैंने लिया था 22 रुपए में, उसके बाद उसमें लोड सर्किट लगा 12-13 रुपए में, एक दिन मेरा बिक गया वो। लेकिन अब पता नहीं उसमें क्या हुआ है, वो 38 रुपए पहुंच गया अपर सर्किट लग लग के। लेकिन मैं आपको बताया ना कि जो भी कंपनी एक्सपर्ट है, लेकिन मैं आपको बताया वैभव ऐसे स्टॉक पिक करने में एक्सपर्ट्स है जिनमें लोअर और अपर सर्किट ही लगते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया ना कि ऐसे कंपनी से, मैंने बहुत बार रिपीट किया, जो भी कंपनी अगर कंटिन्यूसली अपर सर्किट लोअर सर्किट उससे हम लोग दूर रहना चाहिए। इवन दो वो लाख गुना भी प्रॉफिट देते उसमें मैं तो दूर रहता हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअली क्या, मैंने ऐसी एक कंपनी में लगाया था मजेस्को करके, मैं बताता हूँ आपको, जिसको 1000 रुपए का शेयर था, पर वो स्प्लिट हुआ या क्या हुआ, उसका प्राइस बिल्कुल गिर गया था, 8 रुपए का हो गया था वो, ठीक है। तो मैंने उसको लिया था 10-11 रुपए में, वो 95 तक गया था। तो उसने क्या लालच बना दिया, उसके बाद मैंने जितनों में भी लगाया सब में पैसे कमाए। कभी नहीं लेना चाहिए सर्किट, ठीक है। और कोई कंपनी आपको लगता है डिस्कस करना चाहिए, कोई कंपनी का नाम बताओ, कोई भी कंपनी आपको लग रहा है कि डिस्कस करना, कोई भी जो माइंड पे है, एक राकेश बोल सकते हो, गौरव है, निशा है, उसके बाद राकेश भी पूछ सकते हो। राकेश कोई सवाल है आपका? मैं एक्चुअली सर मेरा क्या है, कंफ्यूजन था, मतलब एक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वो सॉरी जेएसडब्ल्यू स्टील, और एक जिंदल स्टील एंड पावर, इन दोनों में मतलब कुछ डिफरेंस है कि सेम ही चीजें हैं? अच्छा, तो वो उसके लिए तो आप थोड़ा जाके, भाइयों की कंपनी है सज्जन जिंदल और एक दूसरा जिंदल। देखिए हम लोग को उसमें रियली बॉदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब कंपनी का हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, राइट, जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आप जाओ एनर्जी पे आप पढ़ लो, इसका प्राइमरी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर फ्रॉम द इट्स पावर एसेट लोकेटेड कर्नाटक महाराष्ट्र नद्यान एंड सो इट इज अ होल्डिंग कंपनी फॉर द जेएसडब्ल्यू ग्रुप ऑफ पावर। इसका मतलब क्या समझे, होल्डिंग कंपनी है इसका, जेएसडब्ल्यू ग्रुप ऑफ पावर बिजनेस। आवाज नहीं आ रही मुझे एक्चुअली आपको और लोगों को आ रही है क्या आवाज? हेलो प्रॉपर नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर जेएसडब्ल्यू एनर्जी का बिजनेस देखो तो ये पावर बिजनेस जनरेशन पे है, और ये एक लिखा होल्डिंग कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान देना। क्या करती है ना कोई कंपनी ना, जैसे पावर बिजनेस मान लो कोई कंपनी एबीसी, वो पावर एनर्जी बना रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। अब क्या करता है, उन लोग एक नया कंपनी बनाता है, उसको क्या बोलता है कि तुम मेरा कंपनी का शेयर्स लेकर से बैठ जाओ और रखो अपने पास, और होल्डिंग कंपनी बन जाओ उसका, बस और कुछ नहीं करना उसको। तो जेएसडब्ल्यू ने क्या किया, जो पावर बिजनेस जो है जेएसडब्ल्यू का, उसका शेयर्स लेकर बैठा हुआ है बस, तो होल्डिंग कंपनी है, और ये पावर बिजनेस भी कर रहा है, मतलब पावर भी बना रहा है प्लस होल्डिंग भी करके बैठा है। होल्डिंग कंपनी मतलब शेयर लेकर बैठा है, शेयर्स लेकर बैठा है। अगर शेयर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो इनका मतलब एक तरह का इन्वेस्टमेंट बैंक तो नहीं बोले, इन्वेस्टमेंट कंपनी तो नहीं बोले, लेकिन एक होल्डिंग करके रखते हैं कंपनी का, शेयर्स लेके बैठते हैं मैनेज करने के लिए, अगर प्राइस बढ़ता है इनको फायदा होता है, होल्डिंग कंपनी है ये, ठीक है। आपने कौन सी कहा, जेएसडब्ल्यू, क्या नाम बोला था आपने दूसरा, स्टील ना, हेलो आवाज नहीं आ रही है, कौन सी जेएसडब्ल्यू, हेलो
आई थिंक वो ड्रॉप कर गया है। जेएसडब्ल्यू को जेएसडब्ल्यू कौन से नाम हो जाते हैं, कौन से नाम बोला था एक कोई, आई एम नॉट श्योर जो भी था। ठीक है तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी तो ये हो गया। स्टील वाले आप देखोगे तो इसमें ये है स्टील वाली, स्टील कंपनी में। ठीक है ठीक, और कोई कंपनी हम लोग डिस्कस करना चाहते हो, कोई भी कंपनी? सर मेरा क्वेश्चन है, आपने बताया था कि 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई जब भी किसी शेयर में लगता है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ चल रहा है और वो एक स्विंग जरूर दिखाता है। हाँ ये अच्छा है, तो इसके लिए हमें बताऊं ये अच्छा चीज है। अब इससे याद है मैं एक और एक वेबसाइट बताता हूं आपको, इसको चेक करने का तरीका, आप जाएंगे यहाँ पे investingtrading.view.com, कहाँ पे देखना है ये चीज आखिर कहाँ मिलता है ये चीज, एकदम सिंपल तरीका है, बहुत जगह है, बहुत जगह मिल सकता है, लेकिन मैं आपको ये जगह बताऊंगा जहां से मैं देखता हूँ कहाँ पे वो स्टॉक मिलेगा आपको। आपको जाना है मार्केट में, आप स्टॉक्स में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ऑल टाइम हाई, यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है तो जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको स्टॉक्स मिल जाएगा जो एकदम नया ऑल टाइम हाई बनाया, जैसे अपोलो हॉस्पिटल आपने देखा होगा एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, चेक कर लेते हैं इसको, अभी देखा था हम लोगों ने, फिर से देख लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स। देखो ऑल टाइम हाई मीन्स सबसे नया, अभी जो सबसे लेटेस्ट प्राइस बनाई, पहला चीज। ठीक है ये हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री कर सकते हैं ना, लाइक 5-6% या 4-5% प्रॉफिट के लिए हम ऐसी कंपनीज में एंटर कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, इस कंपनी में आप कर सकते हैं, बड़ा कंपनी बजाज फाइनेंस में, बजाज फिंसर में कर सकते हो, बलरामपुर चीनी पे कर सकते हो आप, जो बड़ी कंपनी में कोरोमंडल पे कर सकते हो आप, जो बड़ी कंपनी है उसी में छोटी बेसिकली जो लॉन्ग टर्म कंपनी मिड लार्ज कैप कंपनीज है। हाँ लार्ज कैप, यस लार्ज कैप और मिड, हाँ लार्ज कैप पे रहना, मिड कैप भी ठीक, मिड कैप तक भी ठीक है आप, यस उन सब कंपनी में आप बिल्कुल कर सकता है। इसमें आप देख कर आप देखोगे इतना कंपनी, तो आपको यहाँ एक एक्सरसाइज ये कर सकते हो कि आप डेली शाम को जब लार्ज ऑल टाइम हाई निकलता है इसमें से आपको 5 कंपनी निकालना है जो काम की है, आप उसको अपने एक्सेल शीट में मेंटेन करना है, राइट? आप डेली ऐड करो एक्सेल शीट। कितने टाइम पीरियड के लिए हम कंपनी को होल्ड कर सकते हैं अगर हमें ऑल टाइम हाई के बाद स्विंग ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से इसको आप 1 महीना तक, 15 दिन तक, 2 महीना तक कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो स्मॉल कैप देते हैं स्विंग ट्रेडिंग ही करता है वो 1 महीना तक रहता है मैक्सिमम। ओके तो ये एक मतलब एक चीज और है, एक क्वेश्चन था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था फोन, सॉरी। तो मैं ये पूछना था जैसे कि मान लीजिए मेरे मैं एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं जो हैप्पीएस्ट माइंड है, ठीक है? तो अगर उस कंपनी को देखे तो वो एक कंसोलिडेशन फेज में चली गई थी, 350-70 मतलब इस वाले रेंज में चली गई थी। देखते हैं चार्ट, देखते हैं इनका क्या चल रहा है चार्ट में। हैप्पीएस्ट माइंड, ठीक है? तो अभी देखो ये तो अच्छा चल रहा है, ऐसा देखा जाए वीकली तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो खैर अब तो काफी भाग रहा है, लेकिन एक टाइम पे ये कांस्टेंट सा हो गया था, मतलब ये जब आईपीओ के बाद लॉन्च हुआ तो लॉन्चिंग अच्छी हो गई और 350-70-80 के रेंज में रह गए। अब ये क्या है, इतना ऊपर चले गया है तो मतलब जैसे कि मतलब मुझे जो मेरा ब्रोकर है वो रिकमेंड करता है कि इसको लो और भी ऊपर जाएगा, तो अभी ये लेने लायक है कि नहीं है अभी? तो हम लोग फिर मतलब से वो काफी ठीक है, फिर से क्विक एनालिसिस करते हैं जो हम लोगों ने किया इसके लिए, फटाफट क्विक कर लेते हैं, ठीक है? फटाफट ये सेम चीज जो करा है हम लोगों ने, एक दो बार दो करके दिखा देता हूँ आप लोग, ये सेम प्रैक्टिस करना, ठीक है? ये जो डेटा मैं आपको शेयर भी कर दूंगा आपको गूगल ड्राइव में, हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर कर देना। हाँ कि हैप्पीएस्ट माइंड पे कैसे करना है, तब तुम सेक्टर लिख लेता आईटी में, आईटी सेक्टर का स्टॉक है, राइट? मानते हो? हाँ जी हाँ जी। तो हम लोग सबसे पहले एक चीज, ये चीज मैंने सर मिस कर दिया था, हम लोग पहले सेक्टर का देख लेते हैं आईटी सेक्टर में चल क्या रहा है। तो आईटी सेक्टर में आप देख रहे हैं कि एकदम बहुत अभी तक रैली हाई है, मतलब ऊपर ही जा रहा है, तो मतलब आईटी में कोई दिक्कत नहीं, आईटी कंपनी में रहेगा हम लोग, अच्छी बात है, गुड पॉइंट। तो हम लोग ऐसा करके लिख देते हैं कि सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हम लोगों ने छोड़ दिया सेक्टर, ओके सही है। अब चलते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग पे चलते हैं हम लोग करके, नेक्स्ट डेटा पॉइंट, हम लोग सिर्फ डेटा पे बात करेंगे और किसी बात नहीं करेंगे, ठीक है? डेट सॉरी हैप्पीएस्ट माइंड आप ऐसे अगर एनालिसिस करना, ठीक है? तो इसका हैप्पीएस्ट माइंड प्रमोटिंग भी ठीक है, 53% है, तो प्रमोटर भी ओके है, क्योंकि ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, 450 होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ओके है, 53 लिख के ओके लिख देता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्लेजिंग परसेंटेज 0 आई थिंक, तो ये भी हम लोग ओके लिख देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी हम लोग लिख दिया ओके। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या है, प्रमोटर्स ठीक है लेकिन एफआईए का डेटा कम है, 10 से कम है, और डीआई का कम है, पब्लिक का बहुत ज्यादा है, तो ये बिल्कुल भी खराब है, राइट? तो एफआईए नोट ओके, आप एग्री हो ना? अभी मैं डिस्कस दोबारा नहीं क्योंकि बता चुका हूँ पहले, थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, नोट ओके, नोट ओके है, डीआईए भी
नोट ओके है, आपको सब लोग क्लियर है ना इस चीज में जो बता रहा हूँ आप लोग को अभी? यस यस नोट ओके है, ठीक है, और पब्लिक भी नोट ओके, क्योंकि पब्लिक में हम लोग कितना चाहिए, हम लोग चाहिए लेस देन 10%, राइट, ये भी नोट ओके, 10%, हाँ राइट। अब हम लोग चलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे, आप लोग ऐसा ही एनालिसिस करना, ठीक है, यही तरीका होता है रियल तरीका एनालिसिस करने का, दैट इज द प्रोफेशनल वे व्हाट वी आर डूइंग, ये प्रोफेशनल लोग यही करते हैं, जो हाईली प्रोफेशनल होते हैं मार्केट में वो इसी तरह एनालिसिस करते हैं। हम लोग चलते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का, सॉरी क्वार्टरली रिजल्ट भी देख रहे हैं ना, क्वार्टरली रिजल्ट क्या देखते हैं, तो इसका था क्वार्टरली रिजल्ट 175, बहुत बढ़िया, घट गया है, अच्छा नहीं है, फिर बढ़ गया है, उतना अच्छा नहीं है, फिर घट गया है, अच्छा नहीं है, फिर घट गया है, फिर बढ़ गया है, फिर बढ़ गया है, मतलब थोड़ा सा ये वही चल रहा है इसका, तो मैं भी मतलब ऐसे तो अच्छा है बिल्कुल, प्रॉफिट पे चल रहा है, नेटवर्क 27, 22, 5, 49, 34, 42, 37, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है, देख रहा हूँ बढ़ नहीं रहा है कंटिन्यूसली, देख रहा हूँ बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ा, जिस तरह इसको हम लोग शेयर का प्राइस दे रहे हैं हम लोग उस तरह से काम नहीं कर रहा है, सच बोलूँ तो मैं तो बोलूंगा ये ना, जिस तरह हम लोग प्रीमियम दे के खेल रहा है इतना शेयर हाई प्राइस में, उस तरह काम नहीं कर रहा है ये, बिल्कुल नहीं कर रहा है, राइट। तो देखो इसको तो बल्कि फटाफट भागना था, राइट, इसको जल्दी जल्दी भागना था, इसका मतलब सेल्स तो है नहीं उस हिसाब से, प्रॉफिट भी उस हिसाब से है नहीं, प्रॉफिट घट रहा है, 27 से 22 हुआ है, फिर 5 हुआ है, फिर 49 हुआ है, फिर 34 हुआ है, फिर 42, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है इसका। तो मैं बोलूंगा कि जिस हिसाब से हम लोग शेयर प्राइस का दे रहा है, मतलब लॉजिकली सोचना पड़ेगा, ओवरऑल ग्रोथ होलिस्टिकली सोचना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा इसको नोट ओके, राइट, नोट ओके, ये भी मेरे हिसाब से नोट ओके है, ठीक है। अब चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट क्या बोलता है, चार्ट हम लोग देख चुका है, चार्ट तो हम लोग को ओके बता रहा है, राइट। अब चार्ट पे चलते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड, हैप्पीएस्ट माइंड, तो चार्ट ओके बता रहा है आपको, क्योंकि चार्ट पूरा ऊपर है बिल्कुल, अप ट्रेंड में नीचे गिरने का चांस नहीं है, इसका स्टॉप लॉस रहेगा हम लोग का इमीडिएट, ये रहेगा ये वाला 901, ठीक है, वन, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ये हो गया 901, सॉरी हाँ स्टॉप लॉस, तो चार्ट भी ओके है। तो आप देखो के पैरामीटर्स में, देखिए फंडामेंटल पैरामीटर्स अगर देखोगे आप, तो फंडामेंटल पैरामीटर्स में मेरे हिसाब से काफी चीज नॉट ओके आ गया है, चार, तो हम लोग निकल जाएंगे इसको, ऑब्वियसली इसमें हम लोग मतलब पोजीशन नहीं बनाएंगे अभी फिलहाल, क्योंकि सब कंडीशन फुलफिल नहीं है ना, हम लोग हजारों कंपनी, हम लोग यही काम करना है बैठ के, सच बता रहा हूं, एनालिसिस करना है बहुत सारी कंपनी का जो सब ओके कहे, राइट, तो वी विल नॉट मेक एनी नी पोजीशन ऑन दिस कंपनी, whatever price is go, really we don't mind, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, we will just exit, हम लोग इसे नहीं बनाएंगे नए पोजीशन, are you agree with that with me, everyone agree with me, yes, है ना, yes. इसे yes. इसे पोजीशन नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे इस पे, मुझे लगता है बहुत काफी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपको, राइट, हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग नया नया डेटा पॉइंट्स और मिलेगा, अभी डेटा पॉइंट ज्यादा नहीं है हमारे पास, सिर्फ दो ही दो तीन डेटा पॉइंट्स हम लोग इतना रिजल्ट में मतलब आइडेंटिफाई कर पा रहा है, अभी तो और भी डेटा पॉइंट्स मिलेंगे फ्यूचर्स में, सोचो सिर्फ इस डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे। हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर सारे जो ब्रोकर्स हैं वो बहुत ज्यादा बुलिश हैं, मतलब 1500 का टारगेट दिया है कुछ ब्रोकर्स ने हैप्पीएस्ट माइंड का, और ये कंटीन्यूअस, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि न्यूज पे ब्रोकर हाउस पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग मैं तो पर्सनली आपको भी सजेस्ट करूँ कभी मत जाओ, जो हम लोग सामने डेटा पॉइंट दिख रहे हैं हम उसी पे एनालिसिस करेंगे बस, हमें कभी भी कोई भी ब्रोकर का या किसी भी न्यूज चैनल पर बेसिस मैंने आज तक स्टॉक नहीं लिया कभी भी, मैं आप लोग ये सजेस्ट करूँ कि उन लोग को क्या फर्क पड़ता है, आप लेके चले गए गिर गया तो वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, पेपर में लिख के थोड़ा दे रहा है आपको कि गिरेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो लिखता है सब्जेक्ट मार्केट टू रिस्क बोल के छोड़ देगा आपको, राइट, तो आप क्या करोगे फिर, है ना, तो आप बचो इससे, तो आई थिंक मुझे लगता है काफी हो गया सवाल, और किसी को कोई है अगर कुछ डिस्कस करना है तो मुझे बताओ, अदरवाइज हम लोग आज से क्वेश्चन आंसर सेशन यही रैप अप करते हैं, आई थिंक मालूम होता है काफी इंटरेस्टिंग सेशन ये तो चलते रहेगा रात भर भी, मुझे पता है काफी मजा आ रहा है मुझे भी ऐसे सच बोलना, तो अगर जीत भाई एक रिकमेंडेशन है, नेक्स्ट सेशन में आप गैप डाउन ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग कवर करना, ठीक है, गैप डाउन गैप अप ओपनिंग कवर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये जो टॉपिक है सर, एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछो ना, एक कोई और पूछो क्वेश्चन बढ़िया कोई भी एक सवाल है बिल्कुल, सरवन आप पूछ सकते हो, अनुज, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, अब लास्ट पूछिए फिर हम रैप अप करते हैं, लास्ट, हाँ, अगर किसी भी शेयर में बाइंग वॉल्यूम ज्यादा होती है तो क्या हम उसमें एंट्री कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, वॉल्यूम बेस को देख के ही करना चाहिए था, बिल्कुल यस, जैसे यहाँ पे देखो वॉल्यूम था आपका, इधर प्राइस एंट्री कर सकते थे, अब वॉल्यूम देख रहे हैं कम हो रहा है, देख रहे हो आप लोग निकल रहे हैं बेसिकली तरफ, तो वॉल्यूम के बेसिस पे यस, लेकिन ग्रीन बन रहा है अगर मीनार
बिल्डिंग, तो बिल्कुल हम लोग एंट्री करना चाहिए वॉल्यूम पे। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आराम से हम एंट्री कर सकते हैं। यस, वॉल्यूम पे बिल्कुल करना चाहिए। यस, आई एग्री विद यू, वॉल्यूम पे बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल भी करना चाहिए वॉल्यूम पे। यस, अब देखो अभी काफी कंपनी से टाटा कॉफी मैंने दिया था, उस पर देखो आपको वॉल्यूम के बेसिस पे दिया था मैंने टाटा कॉफी। आप देखोगे, देखो वॉल्यूम, आप देख रहे हो इमिनार, इस बेसिस मैंने कहा लो, तो लॉस मेकिंग कंपनी है टाटा कॉफी, तो हम लोग देखा नहीं इसको मैं यार, अभी तो अगले पर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, लेकिन अभी इस वॉल्यूम ने जो बताया वो लॉजिक वॉल्यूम पे देखा, हम लोग देखेंगे उस डिस्कस करेंगे इसको भी, लेकिन अभी फिलहाल जो मैंने इसको लेने का पॉइंट बताया था ये था। और देखिए ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया था, ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट मैंने कहा था ना, ब्रेकआउट ये होता है, देख लो ब्रेकआउट हो गया, पीछे का प्रीवियस हाई टूट के निकल गया और इसने वॉल्यूम भी भर के दिया हुआ है। बोले डेटा पॉइंट में फंडामेंटल भी देखा था फ्रेंकली स्पीकिंग, वो भी अच्छा था, और भी डेटा पॉइंट में काफी डेटा पॉइंट्स मैं एक साथ चेक करता हूँ, बहुत ज्यादा है, मतलब 15-20 मतलब मेरे पास है डेटा पॉइंट्स जिसका बेसिस मैं डिसाइड करता हूँ लेना है कि नहीं। तो ये डेटा पॉइंट्स पे कह रहा, तो ये है टाटा कॉफी के वॉल्यूम का बेसिस पे आप यहाँ ले सकते हो, तो यहाँ ले सकते हो अभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई सवाल? आप जब ये स्मॉल केस शेयर करते हो, जैसे कि एनएससी में 2000 से ज्यादा शेयर्स हैं या बीएससी में 5000 से ज्यादा हैं, तो ये 10-12 शेयर जो आप स्मॉल केस में लेते हो, या आप पिक कैसे करते हो, तब आप शुरू कहां से करते हो? मैं एक्चुअली मैं बताऊं, मैं ऑल टाइम हाई पे नॉर्मली मेरा स्टॉक में जाता हूं, ऑल टाइम हाई पे रहता हूं मेरा पूरा का पूरा नॉर्मली जो है। तो मैंने क्या किया, यहां पे आप यहां जाकर बना सकते हो यहां पे ऑल टाइम हाई बोल के, ठीक है, यहाँ पे जाके आप investing.com में जाके यहाँ जाओगे और यहाँ पे आप जो भी ऑल टाइम हाई स्टॉक है, ऐसा हैप्पीएस्ट माइंड है, अपने यहाँ कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ जाओ, नाम लिख दो, फॉर एग्जांपल ऑल टाइम हाई बोल के आपने बनाया, ये लिस्ट बनाओ, क्रिएट करो, आपको एक ये मिल जाएगा, एक अच्छा सा ये बन गया। अब यहाँ पे जाके जो भी ऑल टाइम हाई मिलेगा, आपको मैंने एक साइट बताया जहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से जाके इस साइट में जाओगे और जो भी ऑल टाइम हाई पे कंपनी जाती है कोई भी, और उसमें जो बेस्ट कंपनी है, 10 पूरा तो नहीं होगा, मान लो आपको ऑल टाइम हाई में 20 कंपनी गई, तो उसमें से मैं, मुझे लगता है मैं देख के समझ के फंडामेंटल जो बताया डेटा पॉइंट्स देख के, मैं उसको उसमें से 5 कंपनी को, सर अपोलो हॉस्पिटल लग रहा है मुझे अच्छा है, तो मैं अपोलो हॉस्पिटल को इसमें ऐड कर लेता हूँ अपना, इसमें अपोलो हॉस्पिटल, ऐसे करके मेरे पास एक लिस्ट बन जाता है स्टॉक्स के। इसमें ICICI प्रूफ भी है, जो अभी आपने रिकमेंड किया था कुछ टाइम। यस यस, ऐसे करके आप देखोगे ना, मेरे पास एक पूरा एक वो बन गया। अब देखो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के, तो मैं हमेशा लगभग हर दूसरा दिन के डेली ही मैं हर कंपनी को यहाँ पे ऑल टाइम हाई, देखो कितना कंपनी, आप देख रहा है ये, देखो आप देख रहे हो ये, देखो कम से कम 200-300 कंपनी होगी, नहीं है इन 200-300 कंपनी से मुझे लगता है कि कौन सा बेटर, इसको फंडामेंटल टेक्निकल सब कुछ देख के डेटा पॉइंट देख के उसमें से मैं 10 निकालता हूँ। ऐसे ये ऐड होते जाता है नया, ऑब्वियसली नया ऐड होगा, क्यों डेली नया ऑल टाइम कोई ना कोई हाई आएगा, मानते हो? तो ये एक स्ट्रेटजी है, ऐसे डिफरेंट स्ट्रेटजी भी है हम लोगों पास, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जो नीचे में कैसा लेना है। ये लिंक आप शेयर कर देना साइट के लिंक कहीं पे, या फिर मतलब कैसे करोगे? हाँ मैं कर दूंगा पीपीटी में, पीपीटी में ऐड कर दूंगा, डोंट वरी आप, ठीक है। मैं एक अच्छा ये तो बताओ, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो आईसीआईसीआई अभी भी ले सकते हैं नहीं ले सकते? कौन सा बताना? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो ठीक है ना, उसको अच्छा उस, अच्छा ऐसे से ले सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं अभी भी। हाँ सही बात है, बताता हूँ, लेकिन इसमें क्या होता है ना, आप थोड़ा पहले लेने से थोड़ा आपका क्यों उसका नुकसान, अभी लेने से क्या नुकसान है क्या फायदा है बताता हूँ आपको, ठीक है, आप खुद समझोगे उसका आंसर क्या है। जैसे ऐसे पोटेंशियल मैंने बहुत पहले कहा था, मुझे याद है लोगों को, मैंने दिया था आई थिंक 5:30 में, मानते हो? आप चेक कर लेना, 5:30 मैंने लिखा था, मैं मेंटेन भी कर रहा हूँ अभी, मैंने जो दिया ना, तो मैंने शायद यहाँ पे मैंने एक्चुअली मेरे पे क्या है, बहुत पहले से था, मैंने लिया था 470 का। देखो मैंने ये ऐड किया हुआ है, जब दिया था ना मैं लिखना शुरू किया, पहले नहीं करता था, ठीक है। 22 को मैंने दिया था 545 रुपीज पे, स्टॉप लॉस ये दिया था 1000 रुपए एग्जिट प्राइस, ये मैंने लिखा हुआ था, और SBI दिया था मैं 401 पे, आप चेक करना, ये प्राइस पे मैंने दिया था 545 पे। अभी मैं पहले नहीं करता, लेकिन ऐड करता हूँ, ये कैसे ट्रेडिंग जनरल बना, ये भी मैं बताऊंगा आप लोग कैसे इसको बनाना है फ्यूचर वाला वीडियोज में। तो मैंने यहाँ दिया था, इसमें क्या है आपको होगा क्या, पहले यहाँ था ना स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो गया, आप दिख रहे हो यहाँ पे, आप अगर यहाँ लोगे तो आप अगर यहाँ लेते मान लो 545 पे, तो स्टॉप लॉस इतना कम होता, राइट, यहाँ भी होता, लेकिन आप इतना दूर लोगे अभी, अगर मान लो गिरता है ये, तो आपको कितना नुकसान होगा, देख रहे हो, मतलब जो भी बढ़ा है ये आपको स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा इसमें, स्टॉप लॉस में मतलब अगर आपको निकलना पड़ेगा, कंपनी गिर जाएगी, मान लो हो सकता है कोई बड़ी बात थोड़ा है, कंपनी गिर गई कल कुछ हो गया, तो आप एग्जिट करोगे कब, गिरोगे इस पॉइंट पे 545 पे, तो आप अभी लोगों आपको 15% का लॉस होगा, लेकिन जिस बंदे ने यहाँ लिया है उनका लॉस कम होगा ना, तो अभी तो बना सकते कोई दिक्कत थोड़ा है, अभी तो ब्रेकआउट देकर निकला है, देखो अभी तो निकला है, इसमें होल्डिंग बिल्कुल नया बाइंग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। स्टॉप लॉस रहेगा आपको क्या, मैंने बताया सेम ये वाला वीकली लो 545
मैं 575 पे एक्चुअली इससे एग्जिट कर गया था, मैंने ये काफी पहले का ले रखा था 470 समथिंग में। नहीं इसको होल्डिंग बोला, इसको तो मैंने आपको लेने बोला था, ये ठीक है अभी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसका भी। बस इसका स्टॉप लॉस यहाँ रखना भी है, जो मैं लिखा था वही स्टॉप लॉस वही रखेगा। ठीक है मुझे लगता है हो गया। और कोई आपको डिस्कस करना है कोई शेयर? मुझे लगता है आज के लिए काफी है, काफी लंबा सेशन चल गया, 3 घंटे हो गए हम लोग आज तो। और कोई डिस्कस करना है कोई टॉपिक तब बताओ, अगली बार करेंगे फिर। क्वेश्चंस तो नेवर एंडिंग है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, टू आवर्स भी क्लास चल सकती है। तो लेकिन जो मैं आपको बताया डेटा पॉइंट्स को आप अपने बस बनाओ, बस अब से आप सब लोगों को मैं कहूंगा डेटा पॉइंट्स को आप इसको मतलब फॉलो करो, डेटा पॉइंट्स वही मैंने डेटा पॉइंट्स से सब कुछ बाकी। हाँ सर, इससे काफी हेल्प मिलती है सर। एक्चुअली पहले क्या होता था कि मेरे को कोई भी बोल देता था कि भाई तू ये शेयर ले ले, भागरा में देखता, भागरा में ले लेता था और जैसे ही लिया उसका गिरना शुरू। गौरव सर जानते हैं जितने शेयर मैंने लिए उनमें मैंने कितना पैसा गवाया है मैंने। एक्चुअली अभी तक अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल 15 से 20 हजार रुपए मार्केट में मैं गवा चुका हूँ। तो लेकिन जब से एक्चुअली जब आपकी चीजें मैंने समझी ना करी, तो मुझे लगता है कि अगर मान लो मेरा शेयर आज को गिर भी गया तो आज से एक साल बाद वो मुझे कुछ तो फायदा दे जाएगा। मतलब मैं पूरी तरह से जिनमें जैसे अभी नुकसान में से फ्यूचर रिटेल मैंने लिया था 162 में, वो भी न्यूज में, और उसमें भागे जा रहा था। कई लोगों ने बोला भाई ये तो भागेगा, तू ले, डील होने वाली है लाइन से ये वो। जैसे मैंने लिया वो गिरने लग गया। अब उसमें पे क्या था, इतनी नॉलेज नहीं थी सर कि स्टॉप लॉस भी कुछ होता है। हमने सोचा गिरने दो, जब बढ़ेगा तभी बेचेंगे, नुकसान में नहीं बेचेंगे एक रुपए भी। नुकसान इतना हो गया कि मार्केट में सबसे बड़ा बात इतना हो गया कि वो वही हो गया कि उसको बेच भी नहीं पा रहे। पता है आपको मैं कहा, मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफिट बनाने से पहले सबसे पहले स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, सबसे पहला काम कि स्टॉप लॉस क्या रहेगा। प्रॉफिट तो बात की बात है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा अपना। स्टॉप लॉस हमेशा सबसे पहले स्टॉप लॉस सबसे जरूरी होता है, वो है वीकली लो, बल्कि और भी तरीका होता है। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, मैं जब प्रॉफिट होता था तो एग्जिट कर लेती थी, जब लॉस होता था तो मैं एवरेजिंग करती थी। एवरेज नहीं करना है, करेक्ट करेक्ट, यही मैं करता था सेम। एवरेजिंग करते करते रिटेल में मैं नहीं करना है, मैंने यही किया था, नहीं वो नहीं करना है। अब ये सब छोड़ दिया, अब तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन पहले जब स्टार्ट किया था ना तो लगता था अच्छी कंपनी है, ग्रो करेगी, पहले एवरेजिंग करो, उसके बाद में फिर वो कभी ना कभी तो 10 से 15% रिटर्न तो आराम से नहीं, दे जाएगी। नहीं, नहीं, वो सब नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। अभी जो मैंने बताया आपको वही तरीका, कुछ शेयर्स में हुआ है ऐसा, कुछ शेयर्स में हुआ है ऐसा कि हमने एवरेजिंग करी और वो अच्छा रिटर्न देके गया, और कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो वही की वही है। देखिए होता है ना, हम लोग एक रूल बनाना पड़ेगा मार्केट में, बिना रूल के हम नहीं चल सकते। बिल्कुल रूल चाहिए हम लोग को, रूल कभी पास होगा या फेल होगा, लेकिन मैक्सिमम रूल पास होता है तो हम उसी रूल पे स्टिक होगा। मैं जो रूल बता रहा हूँ वो बहुत अपना एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस मोस्टली सही होगा, गलत नहीं होगा, मतलब 90% 80% समय वो सही रहेगा। तो आपको वीकली स्टॉप लॉस लगाना है लो और एग्जिट कर जाना आंख बंद करके, बिल्कुल बिना सोचे समझे, व्हाटएवर सिचुएशन हैपन वी रियली डोंट केयर। स्टॉप लॉस इज द बिगेस्ट थिंग मार्केट में। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है रैप अप करना चाहिए और डिनर करने का टाइम हो गया, आप लोगों को सोना भी होगा, मुझे लगता है कल ऑफिस भी है ना। तो मुझे लगता है कि रखना चाहिए, और कोई सवाल है तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नया टॉपिक के साथ फिर होगा हम लोगों का फिर से नेक्स्ट सेशन। आई होप मुझे लगता है अच्छा लगा होगा सबको, काफी इंटरेस्टिंग था आज का सेशन, इवन है ना सही था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, फिर मुलाकात होगी, कल मिलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। सबको गुड नाइट, थैंक यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, मेरी तरफ से आपके लिए क्लैपिंग। यस एग्जैक्टली, थैंक यू सर, बाय, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।